Good morning, friend. This is in the Wankhede Stadium. Welcoming now from Ayajaz the champ. Port Vilas College cricket match between Yellow House captain by Jairam Urf Jerry and Blue House captain by Kaushik Urf to Mr. Kaushik. Blue House in on the toss elected to bat. This suits the yellow team very well because they have Jerry as the star batsman. As for condition. दोनों टीम का नाम अपने स्वदेश का नाम रखकर इंग्लिश में क्यों स्पीच दे रहे हो? हिंदी में बोलो। ए जानकी, हमको हिंदी नहीं आती है। ए ए, नौटंकी नहीं चलेगी हाँ? अरे गर्लफ्रेंड से सैंडल खाते हो? अरे बचाने वाला कोई नहीं है मुझे। सैंडल पड़ते समय याद आती है। अरे रे, तुझे भी पता चल गया क्या? आए ना लाइन पर, हिंदी में कमेंट्री मैं करती हूँ। ओके, तो फिर मैं क्या करूँगा? मैं हिंदी में कहूँगी, उसका इंग्लिश में तुम ट्रांसलेट करना। मुझे हिंदी बिल्कुल नहीं आती। तुझे ठीक से बोलना भी नहीं आता क्या? चल। कौशिक और मदन गोपाल इंटर कर रहे हैं ग्राउंड में ब्लू हाउस की बैटिंग के लिए। नील हाउस के कौशिक बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं। द ब्लू टीम कैप्टन कौशिक इज व्हाइट वॉशिंग। अरे वही जोर से धुलाई कर रहे हैं। नील हाउस द ब्लू हाउस 5 विकेट जा चुके हैं फॉर द डेथ ऑफ 5 विकेट। 50 ओवर में 3 विकेट खोकर 305 रन बना चुके हैं। विकेट बारिश की तरह गिर रहे हैं। विकेट तो बारिश की तरह टपक रहे हैं। नो जेरी टीम इज 274 द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। ए तुम इंग्लिश में क्यों बोल रही हो? चुप रहे ना, मैं टेंशन में हूँ इसलिए बोल रही हूँ। अभी 36 रन और चाहिए और बचे हैं सिर्फ 9 बॉल्स। ए बोलना मुमकिन है क्या? क्यों नहीं, 9 बॉल में पूरे चौका लगा दे। 9 बॉल 36 रन। अरे रे, अब क्या होगा रे? अभी भी 8 बॉल हैं, 2 6 6 4 36 रन। वो देखो 6। अब अगर दौड़ लगाया ना तो सीधा सबको ग्राउंड से बाहर जाना पड़ेगा। 6 बॉल 36 रन, 6 सिक्स लगाना होगा। ए, अब रुकना बेकार है, 6 बॉल में 6 सिक्स मारना नामुमकिन है। चलो क्लास में चलते हैं। हाँ यार ठीक कहा तूने, जेरी की बैटिंग देखने आए थे हम क्लास मिस करके, ये हमारी भूल थी। लेट्स गो। छे बाकी सबको पवेलियन भेज के जेरी यहाँ हेलमेट डाल के खड़ा है। छोड़ ना यार, शर्म आ रही होगी इसलिए खड़ा है हेलमेट पहन के। कैसे हो जेरी? जीतूंगा तो मैं। क्या बॉलिंग करने मैं जा रहा हूँ? कोई चांस नहीं है। कौशिक जरा इसे पकड़। क्या हो रहा है? कुछ नहीं सर, वो बॉल को नहीं मार सका इसलिए प्लेयर को मार रहा है। चल ना, मैच नहीं होगा। चल रहे कौशिक, क्यों जा रहे हो? अब तू उससे झगड़ा कर रहा है तो काहे का मैच? क्यों, और 6 बॉल बाकी है ना। और 6 भी मारेगा, तेंदुलकर ने भी नहीं मारा। तू बात सचिन तेंदुलकर से नहीं कर रहा है, जेरी से कर रहा है, समझा? अच्छा, आजा मैं कॉलेज छोड़ देता हूँ। तू क्या छोड़ेगा, तुझे पढ़ाने वाला तेरा बाप ही भगा देगा। चलता है क्या? तू बॉलिंग करवा, 6 बॉल में 6 सिक्सर लगाता हूँ, क्या शर्त लगाएगा तू? चल मैं ही तुझे बता देता हूँ, 1 सिक्सर का 2000 तो 6 सिक्सर का 12000। ओके ओके बिडू, सुपर डन डन। टेंशन, अरे उधर देख हाथ हटा। Come on. Yeah!
जेरी मारेगा ना, पूरा सिक्स मारना है। अबे बड़बड़ा मत, चुपचाप बैठ, मैं खुद टेंशन में हूँ। जवाब
कहाँ जा रहा है यार, पैसे तो दे दे मेरे। सुपर, ये ले 12,000 रुपए शर्ट के, कांग्रेट। थैंक यू। सिंपली सुपर। ऑटोग्राफ प्लीज। ये जरा पकड़ो। ठीक है। थोड़ा घूमो। क्या? थोड़ा घूम जाओ। लेकिन क्यों? अरे जरा घूमो। जेरी, इतने से ऑटोग्राफ के लिए इतनी देर क्यों? ओ, टॉम एंड जेरी बना रहे हो क्या? अपने 6 बॉल में 6 सिक्स मारे, जवाब नहीं। मैं कितनी टेंशन में थी जानते हो? यू आर रियली ग्रेट। देव हूँ मैं, कपिल देव हूँ मैं। अरे तू ऐसा बड़बड़ क्यों कर रहा है? देख मुझे डर लग रहा है, मैं जा रहा हूँ। ए, पैसे नहीं चाहिए क्या? चाहिए ना। हाँ, 1,000, ये 2,000, 3,000। अरे ची, ये ले बस। बस क्या, 6,000 होता है मेरा, 4 दिया बाकी का और। अरे ऐसे मेरे ऊपर रोब क्या दिखा रहा है, याद नहीं है क्या? क्या याद नहीं? ए राजू, कान खोल के सुन, मैं कौशिक के साथ शर्त लगा रहा हूँ। 1 सिक्सर का 2,000, 6 सिक्सर का 12,000 रुपए, हम दोनों का 50-50। तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अबे 6 बॉल स्लो डालना। क्या मैं और स्लो बॉल डालूं? अबे तू खुद स्लो है तो बॉल स्लो डालेगा तो क्या फर्क पड़ेगा? 6,000 रुपए कमाएगा। जहाँ जाके तुम पैसे पर क्यों अटकते हो? ठीक है, ओके। 3 बॉल तूने रेंज में डाली, मैं थोड़ा भी चूक जाता ना तो पीछे गड़े तीनों स्टंप का सिक्सर बन जाता। क्यों बे, 6ठी बॉल तूने मेरे चेहरे पे मारी? कितनी मेहनत से मैंने सिक्सर मारा मैं वो सब नहीं जानता। 6,000 नहीं दूंगा, 4,000 सही है, लेना है तो ले, नहीं तो जा। You, you bloody cheat. ए जेरी, चल। So, हर जगह बेट लगाते हो ना? हे जानकी, मैच की ठीक से कमेंट्री नहीं कर पाई तो बेटिंग की कमेंट्री करने लगी क्या? मैं तुम्हें हीरो समझ कर तुमसे ऑटोग्राफ ले रही थी, लेकिन तुम जीरो हो। ठीक है, तुमने ऑटोग्राफ मांगा, अब वो हीरो समझ के मांगा था या जीरो समझ के मांगा? चाहे जो भी हो, मैं क्या हूँ मैंने दिखा दिया ना, अब हंसो मत। इसे तुम बहादुरी समझते हो? बेट लगाकर जीतना कोई बहादुरी नहीं है। अरे रे रे, अरे सुनो तो, अक्ल वाला जो होता है वो पढ़ के पास होता है, जो ताकतवर होता है वो कॉपी करके पास होता है। हर इंसान का मकसद तो पास होना ही है ना, और वो मैं हो गया। तुम्हारा ऑटोग्राफ तुम ही रखो। एक कितना बढ़िया कैच पकड़ा, उसके लिए कमेंट्री नहीं करोगी क्या? ए चलना। हे जेरी, लुक, आई एम गोइंग टू एक्सपोज यू। ये क्या है जयराम? करेक्ट है मैडम, इसने जो कहा सब करेक्ट है। राजू। जी मैडम, पैसे लेकर मैंने भी खराब बॉलिंग डाली। कैसे हो तुम लोग, क्रिकेट मैच रिश्वत लेके जीत रहे हो तुम लोग? अरे रे रे, रिश्वत मत कहो मैडम, डोनेशन कहो, मैंने भी तो दिया था इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। सॉरी मैडम, ए 4,000 रुपए वापस कर दे बे। ये लो जानकी, अपने 4,000 रुपए ले लो ना, ले लो अपने पैसे। क्या है ये सब? मैडम, जब मैं बाउंड्री में बॉलिंग कर रहा था, जानकी मेरे पास आई और 4,000 देकर बोली, राजू राजू देखो राजू, जेरी की इज्जत बचा लो। बिकॉज जेरी बोल दूं क्या? ए शर्माता क्यों, बोल दूं क्या? मैं जेरी से बहुत प्यार करती हूँ। अरे रे 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 रे। ना, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। झूठ है तो ये क्या है मैडम? ये तो तेरी है, मगर ऑटोग्राफ बुक किसकी है? मैंने दी। सो व्हाट, ऑटोग्राफ लिया इसका मतलब मैं लव करती हूँ? सचिन से लिया, सौरभ से लिया, अजय से लिया, विजय से लिया, सिर्फ इन्हीं लोगों से नहीं और भी बहुत लोगों से लिया मैंने, तो क्या मैं सबसे प्यार करती हूँ? बाप रे। मैडम, बुक पे साइन करेंगे तो ऑटोग्राफ है, मगर पीठ पे साइन करेंगे तो प्यार। बैक पे। छोटी मैडम, थोड़ा घूम के अपनी पीठ बड़ी मैडम को दिखाना। ये लीजिए, देखिए देखिए मेरी पीठ पे क्या है। ये क्या जानकी, जेरी का साइन तेरे पीठ पे है? सब लोग मेरा दिमाग खराब कर रहे हैं। यही बात तो मैं कह रहा हूँ मैडम, इसने अपनी मर्जी से करवाया है। मेरी पीठ पे साइन कर दे, मेरी पीठ पे साइन कर दे कहने लगी, मुझे कितनी शर्म आ रही थी जानती हैं आप। तू चुप कर, ये सब क्या है जानकी, तुम लोग पढ़ाई करने आते हो या?
ओहो, गेट आउट आई से, गेट आउट। अरे पैसा किसका लेके जाओ? क्यों रे जानकी, मुझे सजा दिलवाने आई थी, खुद को ही सजा मिल गई है ना? ए इधर आना तू। सुन तो, जिसके पास अकल होती है वो पढ़ के पास होता है, जो ताकतवर होता है वो कॉपी करके पास होता है, लेकिन जो बिना पढ़े पास होता है उसको क्या कहते हैं? जेरी कहते हैं। अब जा। ओ, 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 ओ। भाई काफी देर से इंतजार कर रहा हूँ, क्या हो रहा है उधर? थोड़ा इंतजार करो, मास्टर अभी आएगा। मास्टर? वो मैं हूँ मास्टर, कटिंग मास्टर मधु। MCA का कोर्स किया हूँ। कंप्यूटर की पढ़ाई है क्या? नहीं मास्टर, अब कटिंग आर्ट्स। अरे भाई मैं काफी देर से इंतजार कर रहा हूँ, अनाथ लाश की तरह कफर पहना के बिठा दिया। कब अपना काम चालू करोगे? करो ना। शुरू करता हूँ, अब शेविंग करूँ मैं? कटिंग करना? क्या है, हाथ रखते ही फिसल रहा है, मैदान पहले से ही सफा चट है। काटने के लिए कुछ तो होना चाहिए, सर पे तो बाल ही नहीं है। साइड में तो है लेकिन टकला है बीच में, बुक्के जैसा। जो तेरे मुंह पे होना चाहिए वो सर पे आ गया है। मजाक मत करो, बी सीरियस। जल्दी खत्म करके मुझे योगा क्लास के लिए जाना है। योगा क्लास में सर नीचे पैर ऊपर करने जा रहे हो क्या? कौशल्या, ये कौशी, अरे कहाँ हो, जल्दी आओ कौशल्या। क्या हुआ? आने वाले त्योहार से पहले ना जानकी की शादी कर देनी है। दिन में घर पे जब भी आते जाते बस यही कहते हो कि आने वाले त्योहार से पहले जानकी की शादी हो जानी चाहिए। अगर तुम्हारे कहने के मुताबिक मैं शादी उसकी कर देती ना, तो 5 साल की उम्र में उसकी शादी हो जाती थी। डैडी आप मेरी बात अच्छे से सुन लीजिए, रिश्ता आए तो भी ठीक, ना आए तो भी ठीक, लेकिन मेरे बारे में सोचकर ऐसे लड़िए मत। ओहो समझ गया, प्यार? प्यार मेबी हो सकता है, लेकिन अभी नहीं, वक्त आने पर। कभी बूढ़ी होने के बाद क्या? जब भी कोई दिल को भा जाए कह दूंगी। सुना कौशल्या, जो उसे पसंद है, अगर वो मुझे पसंद नहीं आए तो क्या करेगी? फिर भी उसी के साथ शादी करूंगी। जो तुझे अच्छा लगेगा उसी से तू शादी करेगी, भले मेरे को अच्छा ना लगे। हंसो मत, मैंने कोई गलत बात नहीं बोली, मैंने हंसने की बात नहीं है। से पहले जानकी की शादी करवाए। अरे अरे अब मेरी उम्र हो गई है इसलिए मेरी बात कोई मानता ही नहीं है। जवान बेटे को घर पर बिठा के रखा है, क्या सिखाया है बेटे को? प्यार का नाम सुनते ही 10 किलोमीटर दूर भागने लगता है। क्यों जेरी, किसी से प्यार करता है क्या? तुमको अकल नहीं है क्या? सबके सामने कैसे कहेगा? आजा बेटा, आ इधर बैठ। जेरी तू किसी से प्यार करता है? मैं और तेरी माँ भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, तभी तो हम दोनों की शादी हुई। वो तो देख ही रहा हूँ, तुम लोगों ने प्यार करके शादी की, लेकिन एक ऑफिस में जॉब करने वाली बीवी का हस्बैंड उसी के घर में नौकरी कर रहा है। जानते हैं इस दुनिया में अगर 3-व्हीलर में कोई ड्राइवर रखा है तो वो मेरी माँ। ऐसा कहो ना। क्या ऐसा कहो वैसा कहो, तुम्हारे लिए भी कह रहा हूँ, सभी लोग कान खोल कर सुन लो, मैं किसी से भी प्यार नहीं करता और ना ही करूँगा, और मेरी शादी कराने का जिम्मा भी आप ही लोगों का है। एक अच्छी सी लड़की देखकर मेरी शादी करा दो, शादी हो जाने के बाद मैं उससे सारी उम्र प्यार करता रहूंगा। क्या? हाँ क्यों बे जेटी, तू किसी से प्यार नहीं करेगा, माँ बाप जिससे बोलेंगे तू शादी उसी से कर लेगा, क्या है सच है? अरे उससे क्या पूछना यार, ये कोई क्रिकेट मैच है क्या जो पैसे से सेटल कर लेगा? ये बैटिंग नहीं है, डेटिंग है। अरे रे रे, हमारा कौशिक कितना समझदार हो गया, शर्म आ रही है। शाह प्यार करके कौन अपना टाइम वेस्ट करेगा? क्या बोला, टाइम वेस्ट? ठीक है टाइम पास कह ले, इसी तरह तू टाइम पास करके सारे सब्जेक्ट में फेल हो गया है। सुपर। ए कौशिक, तूने जो अपने लंबे बाल बढ़ाए हैं, दिमाग कम हो गया है तेरा, तू कहे तो बाल काट दूं। ए, जो लोग प्यार के चक्कर में घंटों गुजार देते हैं वो लोग क्या प्यार नहीं करते हैं क्या? है अबे वो प्यार व्यार नहीं करते हैं, दो लोग पास बैठ के गप्पे लड़ाते हैं। ए समझाने इसको। ए मेरे भी खानदान में लव मैरिज किए लोगों ने, अभी एक मिसाल ले लो उस मुर्गन की, उसने भी तो लव मैरिज की है ना। मुर्गन तू एक ही है क्या? वो करोड़पति है, रईस घर का है, हमारे गिल्टी पार्क में उसका शॉप भी है, तो उसकी जगह जाके बता, तुझे भी देगा वो, उसके पास तो 12 हाथ हैं भाई, इसको तो बिल्कुल अकल ही नहीं है भाई। अकल है ये तो, देख ना। तुमने बात की? सवर्णा मेरे नाम में 2 ही अक्षर है, पूजा, तो कम से कम उसकी इज्जत तो कर, और ऊपर से उल्टे सीधे सवाल करता है पागल। बी सीरियस, प्यार के बारे में क्यों नहीं बताया अभी तक? तो नहीं। क्यों? क्यों क्या, एक करोड़पति की बेटी एक वॉचमैन के बेटे से प्यार करती है, तुमने कहा? नहीं, तेरे कहने के बाद ही कहूंगा सोचा है। हाँ, हो गई शादी, इस प्यार के बारे में इस जन्म में किसी को पता नहीं चलेगा। देख श्रवण, मैं तुमसे प्यार करती हूँ,
मुझे तुम पे भरोसा है। पूजा मैं तेरे लिए कुछ भी करूँगा। हाय राम, दिलीप कुमार से लेके शाहरुख खान तक यही डायलॉग है। अरे मैं वो नहीं कह रहा पूजा, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हें तैरना आता है क्या? नहीं आता। मेरे लिए पानी में कूदी मारेगा क्या? चल जाना। With reference to software solutions only die, proper cash. अरे पानी में कूद गया। अरे बचाओ, अरे ये बच जाएगा। क्या कोई तो बचाओ इसे, इसे तैरना नहीं आता है, ये बच जाएगा। बचाओ बचाओ इसे, प्लीज हेल्प। कौन है? प्लीज हेल्प, प्लीज हेल्प, ये बच जाएगा, इसे बचाओ, इसे बचाओ। क्या हो गया, क्या हो गया? अरे ये कैसे गिरा? जल्दी से बचा लो, नहीं तो बच जाएगा। प्लीज, अरे तो कोई लाइफ गार्ड नहीं है क्या? कोई नहीं है? अरे घबरा मत यार, बचा लो जल्दी जल्दी। अरे रे कितना ज्यादा पानी पी गया है। अरे श्रवण, श्रवण 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 उठ उठ श्रवण उठ उठ आंख खोल। ए ए श्रवण, श्रवण उठ रे, श्रवण श्रवण आंख खोल। श्रवण हां रे, ए श्रवण कैसा है तू? सुनो, मनमानी थी या शर्त थी? शर्त थी या मेरे लिए कुछ भी करोगे? मैंने पूछा, उसने कहा मैं कुछ भी करूंगा। पानी में कूदने के लिए कहा, वो कूद गया। ए उसको क्यों मार रहा है? तुझे इसने कहा और तू कूद गया? पागल कहीं का, ऐसा मालूम होता ना तो कभी नहीं बचाता तुझे। जेरी, दिस इज टू मच, तुमने जान बचाई इसका मतलब ये नहीं इसे मारो। बकवास बंद कर। प्यार के लिए ऐसी गलत हरकत की है इसने, इसलिए मारा। इसने कहा और ये कूद गया, गधा कहीं का। थू, मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। मैं तो कहता हूँ फिर से फेंक दो पानी में। भाई तुम जयराम हो ना? जेरी। नाम पूछा तो सॉरी बोल रहे हो? अरे मैं जेरी हूँ यार। नाम तुम्हारा सॉरी है? कम सुनाई देता है क्या तुम्हें? मेरा बेटा श्रवण तुम्हारे क्लास में पढ़ता है। वो किधर है? वो श्रवण ना? हाँ, वही। हाँ, वो क्या किया? भाई भाई सुनो, भाई 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 मेरा बेटा श्रवण कहाँ है? वो भाई बताना मेरे भाई। बहुत मुश्किल है। जो नहीं करना चाहिए था वो किया है। क्या क्या? प्यार। हीरालाल पन्नालाल का नाम सुना है ना? सोने का व्यापारी, माउंट रोड पे बहुत बड़ी दुकान है उनकी। उसकी बेटी पूजा है ना, उसके प्यार में पागल है। वो क्या बड़बड़ कर रहा है? भाई मुझे 3 लड़कियां हैं, उनकी शादी का जिम्मा मैंने श्रवण को सौंपा है। समझ गए ना? ये प्यार व्यार का चक्कर छोड़ के पढ़ाई करने को कहो उसे। जेरी पापा, तुम चलो मेरे साथ, चलो चलो तुम मेरे साथ, चलो जल्दी। द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मार्वेल मैनेजमेंट सिस्टम एंड द सॉफ्टवेयर इंटरफेस कैनवी डाटा इंटरफेस, इस इंटरफेस के बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। इसका सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रोना को रुला दिया, अब तो खुश है ना तू? ए आगे चल के और रोना पड़ेगा, 9 सब्जेक्ट हाथ में हैं। छे, वो परीक्षा में फेल हो जाएगा, यही चाहता है। करेक्ट है, तुझे तो इससे भी ज्यादा रोना पड़ेगा, तेरे हाथ में तो 12 सब्जेक्ट है। शट अप, दिस प्रोडक्ट एंड कैन बी यूज्ड टू डेवलप। श्रवणा, श्रवणा, अबे सर मैं जो समझा रहा हूँ वो नहीं समझ पाए तो कोई बात नहीं, रो मत। अभी तो ऐसा क्या हो गया? क्या हो गया? पूजा को घर में बंद कर दिया है, हाउस अरेस्ट, अभी पूजा से मिल नहीं सकता ना। अरे ये क्या कह रहे हो तुम, पूजा के साथ ऐसा हो रहा है? इनफैक्ट ये तो श्रवण के लिए भी अच्छा है, ये पढ़ेगा, नौकरी करेगा, 4 पैसे कमाएगा, पूजा के घर जाके उसका हाथ मांग सकेगा ना। ये क्या बकवास कर रहा है ये, चुप रहो ना यार। श्रवण को पूजा से नहीं मिलने देना है, शायद तुमने बेट लगाई हो। चुप, क्या कितने की लगाई, 4 या 6? नो 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 नो, 10,000, 10,000 मेगाबाइट्स। ओके, बट तुम्हें कुछ समझ में आया? मधुसूदन के उस पैराग्राफ के बारे में तुम शायद सोच रही हो, हाँ? गुड कॉम्बिनेशन। ए, ऐसे क्या मुंह लटका के रखा है, हंसते रहने का, कम ऑन चेयर अप। एक बात सुन,
पूजा की याद दो चार दिन तक रहेगी, बाद में वो भी तुझे भूल जाएगी। ए, पूजा कैसे भूल जाएगी रे? पूजा से तू भी प्यार करता है क्या, इसीलिए शायद ये भी शोक मना रहा है। कौशिक छोड़ो यार, ये प्यार के मायने ही नहीं जानता। बिल्कुल ठीक, मैं तो एक ही लव जानता, वो है पुलाव। बड़ी जोर की भूख लगी, चलो कुछ खाते हैं। तुम जैसे को समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है श्रवण, चलो। ए क्या कह के गई है? अरे हिंदी में बोल के गई है, समझ में नहीं आ रहा। अब मेरे कहने का मतलब, मेरी बात तो सुनो, प्यार का मतलब आगे जाने का। अरे प्यार क्या कर रहा है, कुछ समझ में आ रहा? दिमाग मत खोल रहा, क्या समझता तू अपने आप को? बोल, मेरा प्यार का मतलब समझता है क्या? तुझे समझा के बड़ी बातें करता है, क्या होता है प्यार मालूम है तुझे? प्यार करके दिखाऊंगा। यस, क्या कहा था? लड़कियों का दिल सागर जैसा गहरा है, मैं सुनामी हूँ, पूरा समंदर हिला के रख दूंगा। ए तुम लोग मुझसे फालतू बात की जिद मत करो, सुनो सुनो, मैं तुम्हें प्यार करके दिखाता हूँ, शर्त लगाते हो? बैठ बैठ, माधो 1000 रुपए निकाल। ए अगर तुझसे नहीं होगा तो मुझे बता दे, मेरा 1000 रुपया लॉस है। ए क्या लॉस, लॉस कर रहा है क्या, क्या है वे? लो करके विश करेगा तू, शर्त लगाए, इस पे मैं 1000 की बाजी लगा चुका हूं। कहने से पहले ही मैंने कह दिया, बाजी अपने हाथ में, मैं चलता हूँ बिड़ू। थैंक्स माधव। सुन रुक जा, मेरी बात सुन ले। एक तो मैं बाजी लगाता नहीं हूँ, और अगर लगा लिया तो जीते बिना रहता नहीं। ये कोई शर्त नहीं है, बाजी नहीं है, चैलेंज सवाल है। एक लड़की नहीं, एक साथ तीन तीन लड़की तुझे पटाके दिखाऊंगा। बोल कौन कौन सी लड़की पटाऊं? बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, टाइम आने पर। बट वन थिंग, ये चैलेंज हम चारों के सिवा किसी को पता नहीं चलना चाहिए। एग्री? एग्रीड। एग्रीड। एग्री। एग्री का मतलब क्या है? तेरी तो आहा, सुपर सेट है। हे जानकी, कहाँ जा रही हो? क्लास में जा रही हूँ। ए तुम्हारे लिए कोई अलग से कानून बनेगा क्या? कॉलेज में सेलफोन ले जाने से मैनेजमेंट ने मना किया है, इसलिए हम कॉलेज नहीं जा रहे हैं। गुड, मेरे पास सेलफोन नहीं है, सो मैं जा। हेलो, वी आर गोइंग टू बॉयकॉट। छोड़ना यार, वो बॉयकॉट नहीं है, गर्ल कट है। जानकी हाय हाय, जानकी हाय हाय, जानकी हाय हाय, स्विच ऑन द सेलफोन। इससे पहले कॉलेज में तुम्हें कभी नहीं देखा। तुम मुझे देखो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि मैं ओनली फॉर जेंट। साइलेंस साइलेंस, कान खोल के सुनो, मैनेजमेंट का फैसला बदला नहीं जाएगा। जो स्टूडेंट सेलफोन लाएगा उसे कॉलेज से बाहर फेंक दिया जाएगा। ओ सुपर मैडम, सेलफोन के बारे में क्या फैसला लिया है आपने? चुप हो जाओ। प्रिंसिपल, हाय बंद कर दो। आज के बाद कोई भी सेलफोन लाया तो सिक्योरिटी से कह के निकलवा देंगी। आप क्या निकलवा देंगी, हम खुद फेंक रहे हैं, ये फेंको रे। मिस्टर मधुसूदन, कॉल द पुलिस इमीडिएटली। पुलिस। मिस्टर मधुसूदन, बिहेव योर सेल्फ। सॉरी, फोन इधर है, फोन करो। क्या हुआ, क्या हुआ? लैंडलाइन बंद हो गया है। सेल फोन तो है ना? सेल से लगाऊं तो चलेगा? हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके। अरे बाप रे। ऑफिसर, सबको अलग रखने के लिए लाठी चार्ज के लिए तैयार हो। लेकिन मैडम, ये सब स्टूडेंट। आई नो मैडम, तुमने सुना नहीं? लाठी चार्ज करने को कहा ना मैडम? अरे बाप रे, इसको मार गया। यही इसके लिए ठीक रहेगा, हमारे साथ आएगा तो मार खाएगा। गो। ओके। मूव 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 मैन, सब लोग चुपचाप अपने क्लासेस में जाओ, अदरवाइज फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। हेलो, ये हमारा कॉलेज है, हमारे कॉलेज में हम पे ऑर्डर करने वाली तुम कौन हो? शट अप। पुलिस की गुंडा कर दी, पुलिस की गुंडा कर दी। अबे जल्दी आओ वरना और मारेगी, चल जल्दी आ। अबे
हमारे पीछे क्यों भाग रही है? भाग अभी। Damn it! कॉलेज में सेलफोन ले जाने की क्या जरूरत है भला? सॉरी। कॉलेज में पढ़ाई की जगह पर गंदे-गंदे मैसेजेस भेजते हैं। मेरा बेटा ऐसा नहीं है मैडम। आप लोग राजू के पेरेंट्स हैं ना? हाँ मैडम। राजू को बुलाओ। यस मैडम। मैडम मेरे बेटे की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। दोबारा ऐसा नहीं होगा। सॉरी मैडम। राजा तुम ही हो? चलो बुला रहे हैं। आइंदा कोई भी ऐसी हरकत मत करना। जी मैडम। ए कौशिक, फालतू में पुलिस से पंगा ले लिया वो, वरना हमारा जेरी रोड पर हंगामा कर रहा होता। अरे बीड़ू, अभी भी देर नहीं हुई है, तू अपना फैसला वापस ले ले। आप लोग जा सकते हैं मैडम। जयराम कौन है? बाहर आओ। अबे जयराम कौन है बे? अबे तू ही जयराम उर्फ जेरी है। क्या है ये? अब देखना मैं क्या करता हूँ। थोड़ा आराम से। तुम्हारा नाम जयराम है? जयराम नहीं, प्यार से जेरी बोलो मिस जीवा। How dare you don't know to behave? मुझे इंस्पेक्टर कहो या मैडम कहो। कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है, जेरी जीवा, दोनों जे से शुरू होते हैं। जेल, जेल भी जे से शुरू होता है। थर्टी सिक्स ट्वेंटी फोर थर्टी सिक्स जैसा फिगर होना चाहिए, लेबोरेटरी के हिसाब से परफेक्ट। शट अप। जानते हो ये क्या है? Give respect to the uniform. तुम कह रही हो खाकी के लिए, मैं कह रहा हूँ बाकी के लिए। क्या बात कही है सुपर। ये क्या किया तूने नालायक? मैडम मेरे बेटे को छोड़ दो मैडम, मेरे बेटे को छोड़ दो, वो नादान है, वो बहुत नादान है मैडम, उसको छोड़ दो मैडम, उसको छोड़ दो मैडम। मैडम ये क्या कर रहे हैं सर, इस तरह से बिहेव मत कीजिए प्लीज। जयराम को बुला। ए जयराम चलो बाहर आओ। अबे जयराम कौन है बे? ए तू ही है जयराम उर्फ जेरी। क्या है? मैं अपना असली नाम ही भूल जाता हूँ। आ गया बेटा, आ जा। मैडम इसका सेल फोन क्या, मैं पूरे घर के फोन बंद करवा दूंगा, इसको छोड़ दो मैडम। इसकी कोई जरूरत नहीं, इसने कोई खून तो नहीं किया, ना ही ड्रग्स बेचा है, किसी लड़की को देखकर आई लव यू कहकर ईव टीजिंग की है, ऐसा कुछ नहीं है। He seems to be a nice boy. जयराम, चलो साइन कर दो। प्लीज कॉल मी जेरी। यहाँ भी चुप नहीं बैठ सकता, चल घर चल बताता हूँ। मैडम मैडम नहीं, जस्ट कॉल मी इंस्पेक्टर आर जीवा। इंस्पेक्टर आर जीवा? आर इनिशियल है क्या? आपके पिताजी ने पूरा नाम नहीं रखा क्या? ये सब पूछने की जरूरत है क्या? चुप रह तू। अरे क्या आप बकवास कर रहे हो? बहुत अर्जेंट है क्या? करोगे तेरे को मैं, तू घर चल। ओके आई विल बी देयर। चुप। अपने डैडी से तुम क्या कह रहे हो कि ये बदतमीजी कर रहे हैं? माइंड योर वर्ड्स, आप इसे ले जाइए। चल चल चल। थैंक यू मैडम। ऑफिसर मैडम, घर में मुझे कुछ जरूरी काम है, कुछ लोग मुझे देखने आ रहे हैं। सो ग्लैड। और लड़कों के पेरेंट्स आएंगे तो उन्हें छोड़ देना। ओके बाय। शादी के लिए मुझे देखने आ रहे तो इसका क्या काम? ठंडा पानी इसे रख दो। अरे मर गया। अबे सुन, लड़कियां दो टाइप की होती है, कुछ लड़कियां लड़कियों टाइप होती है और कुछ लड़कियां लड़कों टाइप होती है, लेकिन जीवा दोनों टाइप में फिट। क्या मतलब? अरे हुक्म चलाने का पावर। यस लव लेटर। ए ए पेपर 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 का बस क्या आ गया ये डाइनिंग हॉल में? पेपर पेंसिल ये सारी चीजें कहां मिलेंगी? हाँ सेल फोन वॉकमैन मांग तो मिलेगा। ए वॉकमैन का है, रिकॉर्ड होता है। ए ले तू रिकॉर्ड कर। ओके। हाँ तुम्हारा कोई जवाब नहीं है, बहादुरी में तुम वीर पांडे जैसे धरती की पुत्री और जिगर में बैटरी जैसे हरदम चार्ज रहती हो। चार्ज? दिखने में जैसे झांसी की रानी। रानी वाह। लोगों को कहना है कि औरत एक गाय है, लेकिन तुम गाय हो के भी अंदर से शेरनी हो। अरे रे। बिल्कुल शेरनी, इसीलिए तो तुम्हारे माँ बाप ने बहुत सोच के तुम्हारा नाम जीवा रखा है। मार डाला रे, मार डाला। अरे जयराम क्या है इस कैसेट में? सुन लो।
पुलिस स्टेशन में लोग कंप्लेन देने आते हैं, तुम मुझे कैसे देने आए हो? ये कंप्लेन नहीं है, कॉम्प्लीमेंट है। क्या मजाक है? ये मजाक नहीं, उड़ान है। अब तुम मुझे साफ साफ बताओगे तुम कहना क्या चाहते हो? वो क्या है कि दिल की बात मैंने इसमें रिकॉर्ड की है, सुन लेना। ओके, मैं सुन लूंगी, रख के जाओ। प्लीज सुन लेना। रख के जाओ जेरी। ओके, कूल कूल कूल। ठंडा पानी। यस मैडम। लेट क्यों? एक्चुअली और भी लेट हो जाता मैडम, रास्ते में एक जेबकतरा मिल गया, वो जल्दी से मुंह खोल दिया ना, इसीलिए मैं जल्दी आ गया। उसका कोई जवाब नहीं है, बहुत बहादुर है, झांसी की रानी है, मैं उसे मिलने जा रहा हूँ। कैसे तभी दिया, थोड़ी देर रुक जाते हैं, अब रिजल्ट मिलने के बाद चलेंगे ना। ए, रिजल्ट मिलने के बाद वो गाना गाने को बोलेगी, इसलिए तो मैंने उसे डायलॉग की कैसेट दी है। उदित नारायण को जानते हैं? उदित नारायण नहीं, नारायणी है। मैडम, लड़की देखने के लिए कुछ लोग आए, फिर क्या हुआ, लड़का आपको पसंद नहीं आया क्या? मैडम, व्हाट हैपेंड मैडम, व्हाट इज दिस, आप रुकी हो रही हैं? क्या हुआ मैडम? क्या हुआ मैडम? प्लीज मैडम, कुछ भी हो वो मुझे ढूंढ के आई लव यू जरूर कहेगी, देखना। ओके ना। ए, चाबी किधर है? मुझे क्या मालूम, तेरे पास थी। अरे रे रे रे, अंदर भूल गया। मैडम मैडम मैडम, क्या हुआ मैडम? आप रुकी हो रही हैं मैडम? मैडम मैडम मैडम, कुछ तो बताइए मैडम, क्यों रो रही हैं मैडम? मैडम प्लीज मैडम, मैडम क्या हुआ, मैडम क्या हुआ आपको? ओके, आई एम नॉर्मल, आई एम नॉर्मल। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई वो तो बताइए मैडम, बी फ्रैंक। आज तक मुझे किसी ने ऐसा नहीं कहा है। क्यों मैडम, लड़के ने आपको पसंद नहीं किया क्या? हैं? क्या यही बात है क्या? मैं उन्हें पसंद नहीं, अगर ये कह देते तो मुझे मुझे कोई दुख नहीं होता, लेकिन 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 बहुत बड़ी मुसीबत हूँ मैं, इसलिए वो लोग मुझसे डर रहे थे। चुप है जा बेटा, जीप आ गई, खाना 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 बेटा। वो देख पुलिस वाली आंटी, खाना खा ले नहीं तो तुझे पकड़ के ले जाएगी। खा ना बेटा। आ जीवा, तुझे आने में इतनी देर क्यों हुई? मम्मी पुलिस स्टेशन में कुछ वो सब छोड़ो, अब वो इंतजार कर रहे हैं, चलो आओ। मम्मी मैं ठीक लग रही हूँ। जा जा। अरे ये क्या, इसे सैल्यूट क्यों मार रहे हो? अरे बेटा यही तो है जीवा, मेरी बेटी। बैठ जा बैठ जा। ए जीवा, सुन जीवा, क्या हुआ बेटा? ए जीवा, डैडी लड़की पुलिस वाली है। यही तो, पहले तुमसे कहा था ना। क्या पहले बताया था? अरे तो इसमें क्या हो गया, आप ये कैसी बात कर रहे हैं डैडी, मेरी बात भी तो सुनिए। अगर हमारी पहली रात को ही इससे तू तू मैं हो गई और ये लाठी चार्ज शुरू कर दी तो मेरा क्या होगा? लड़का बिल्कुल सही कह रहा है, अगर कोई रिसेप्शनिस्ट या टाइपिस्ट होती तो चलती, पर ये तो पुलिस वाली है ना, ये तो मर्दों का काम है ना। नहीं जीवा, मेरी बात तो सुनो। ये सब क्या है? वो कुछ नहीं, लड़की पुलिस वाली है ना, इसीलिए लड़का डर गया। क्यों, तुम्हारा लड़का चोर है क्या? हा? अरे जीवा, अरे तुम चुप रहो मम्मी। क्या पागल हो गई है, क्या कर दिया तुमने, पागल हो गई हो क्या? ये भी चला गया। ऐसा क्या मैडम, ये क्या मैडम, रोइए मत मैडम, आप एक पुलिस ऑफिसर हैं, ये आपको याद रखना चाहिए। एक बात मत भूलो ठंडा पानी, पहले मैं एक लड़की हूँ, बाद में पुलिस ऑफिसर हूँ। मेरे पास भी एक दिल है, मेरे भी कुछ सपने हैं, अरमान है, कुछ ख्वाहिशें हैं, इन पर मेरा कोई भी काबू नहीं है। मेरे अंदर जो लड़की है उसे समझने के बजाय लोग मेरी नौकरी पर जाते हैं। I'm sorry, अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स आपको बता रही हूँ, आप लोगों का टाइम वेस्ट किया, आप लोग अपना काम कीजिए। It's okay. ए जेरी, हाँ? पुलिस स्टेशन में चोरी कर रहे हो? नहीं, ये चाबी कैसेट। क्या चाबी कैसेट? ओ, कैसेट दिया था ना तुमने, मुझे सुनने का टाइम नहीं मिला, आई एम सो सॉरी। बाप रे, अच्छा हुआ नहीं सुना। क्या कहा? नहीं, ये पायरेसी कैसेट है, मैं ओरिजिनल लाता हूँ डीटीएस इफेक्ट्स के साथ। उसकी कोई जरूरत नहीं, इतने प्यार से सुनने के लिए दिया है, लाओ मैं सुन। नहीं वो मैं दो। नहीं दो, नहीं, ना, नहीं, दो, दो। वॉकमैन भी तैयार रखती है सुनने के बाद।
सीधे गोली मारेगी मुझे। ये क्या? रिवर्स करके फिर से सुन रही है, भगवान बचाना मुझे, बचाना। What nonsense is this? मैंने नहीं किया, वो सैलून वाले ने किया। कुछ सुनाई नहीं दे रहा, तू अब साइलेंट है। तुमने कहा था दिल की बात रिकॉर्ड की है टेप में, दिल से किया था क्या? बिल्कुल। तो फिर ऐसा हुआ होगा कि रिकॉर्ड करने से पहले रिकॉर्ड बटन दबाना भूल गए होगे। कितनी अकलमंद हो, पकड़ लिया ना। अब वो टेप क्यों खाली रह गई मैं बताऊं क्या? क्या? वो टेप की तरह मेरा दिल भी बिल्कुल खाली है, और वो अब तक तुम्हारे लिए खाली है। फिलअप कर दो ना। फिलअप क्या? फिलअप मतलब जो मैं सोच रहा हूँ ना वही तुम भी सोचो। बाय। हेलो, यस इंस्पेक्टर जीवा हियर। क्या, कहाँ पर? ओके मैं आती हूँ। आप कौन? मैनेजर, मैंने ही कंप्लेंट की थी। तो क्या हुआ? मेरी नौकरी चली जाएगी, यही तो बात है। मैं कुछ समझी नहीं। सिल्क साड़ी के बैनर में मॉडल्स का चेहरा हटा के दूसरा चेहरा लगा दिया गया है। सो? तो अब मैं क्या कहूँ, रातों रात किसी ने उस पोस्टर का चेहरा बदल के ही रख दिया है मैडम। मैडम आप इस एरिया की इंस्पेक्टर हो, फिर ये आपकी मर्जी के बगैर कैसे हुआ? मैडम बिल्कुल आपके जैसी है। बिल्कुल वही है। चुप। आप ही तो। हेलो ब्यूटीफुल, तुम इस साड़ी में बहुत सुंदर लग रही हो। तुम एक इंस्पेक्टर होकर मॉडल का रोल किया है, तुम में मॉडल बनने की काबिलियत है। बेस्ट ऑफ लक। ओके मैडम। सर आप बिल्कुल मत घबराइए, इस बैनर में जिसने भी चेहरा बदला है मैं उसे पकड़ के सजा जरूर दूंगी। नहीं मैडम, बॉस का भी फोन आया था, अभी अभी वो गाड़ी से जाते हुए बैनर को देखकर गए हैं और बहुत तारीफ की है, बहुत अच्छा रिस्पांस है, इसलिए मैं अपनी कंप्लेंट ड्रॉप करता हूँ। सॉरी मैडम मैं चलता हूँ। मैडम अब चले क्या? ये किसने किया होगा? वो मैंने किया है जेरी। मैं नीचे आ जाऊँ? अरेस्ट तो नहीं करोगी ना मुझे? नीचे आओ। सॉरी सॉरी, सभी लोग तुम्हें यूनिफॉर्म में देखते हैं, लेकिन मैंने तुम्हें कलरफुल साड़ी में देखा, उसके लिए बुरा मत मानना। मेरे दिल में फिलअप क्या करना है, वो जो मेरे दिल में है वो यही है। क्या तुम इसे सिर्फ बैनर समझ रही हो? मेरा दिल तो इससे भी बड़ा है। ऐसा क्या? मैं तुम्हें अभी सपना है ये क्या लग रहा सब नया होने लगी ये जोरे किस चाहे जानू ना मैं बस में है नहीं ये दिल जो धड़कन जानू ना जानू ना हो रहा है ये क्या।
मेरा हाथ पकड़ के यहाँ क्यों लेके आए तू मुझे? अभी बताता हूँ, मैं तीन लड़कियों से प्यार करके दिखाऊंगा बोला था ना, ठीक है? अब आई लव यू कहने के लिए दूसरी वाली लड़की कौन है बताओ? दिल वाली? इससे प्यार करने वाली लड़की को तो दिल वाली कह रहा है। तू क्या समझ रहा है, वो कौन सा उससे प्यार करके शादी करने वाला है, ये तो सिर्फ एक चैलेंज है। ए चुप, बताना कौन है दूसरी लड़की? अरे पुलिस वाली को तूने बोला कि तूने आई लव यू नहीं बोला और अभी तू दूसरी को पूछ रहा है? ए पुलिस वाली के गले में अटका है आई लव यू, बस अभी बाहर आना बाकी। गले में जो अटका ना बाहर नहीं जाएगा, नीचे आएगा। ए गला दबा के बाहर निकाल लूंगा। अरे छोड़ना, वो भी देख लेंगे। ए क्या देख रहा है? ए मुझे मत रोको, उधर देख सामने। मुझे मत रोको, कोई भी ऊपर आने की कोशिश मत करना। अबे ये कूद के जाने देगा क्या? अरे रे मुझे रोकने की कोशिश मत करो प्लीज। अरे मुझे जाने देना बॉबी। आप लोग मुझे बचाने की कोशिश मत करना, ये खेल में यही खत्म करना चाहती हूँ, मुझे मर जाने दो। अरे पागल हो गई है क्या? अरे अब क्या होगा? चुप हो जाओ। ये जेरी, तू जिस लड़की को आई लव यू बोलता है ना, वो दूसरी वाली लड़की दिल वाली यही है। लगाता है चैलेंज। चैलेंज। ए तू यहाँ से कहाँ जा रहा है? ए वो कहीं से भी जाए, तू सिर्फ देख। जेरी छलांग लगा दे। जाओ तुम लोग सब चले जाओ। जो मैं बोल रही हूँ समझ में नहीं आता? कोई भी नहीं जाओगे? ठीक है, मैं किसी का कहना नहीं मानूंगी, यहाँ से छलांग लगा दूंगी, मर जाने दो मुझे प्लीज। मैडम आपको क्या हो गया? मैडम आप ऐसे मत कूदो मैडम, आप जान नहीं दे सकती मैडम। चलो आप रुक जाओ मैडम। देखो तुम्हें कुछ नहीं मालूम, जाओ यहाँ से। मैडम मैडम ये क्या किया? अरे सुनो सुनो, सीन बदल गया क्या? हीरो हीरोइन को बचाने का सीन कर लिया। अरे पूरी कहानी ही बदल दी। ये तू क्या कहानी लेकर बैठा है? अब तक तीन शेड्यूल बदल दिया, बता नहीं सकते? होता तो बताता ना। नहीं बदला है तो अब बदलना पड़ेगा तुझे, समझा क्या? हेलो
आई एम जेरी. हाय, आई एम रज. तुम्हें कौन नहीं जानता रजनी, तुम्हारी एक एक फिल्म मैंने 20-20 बार देखी है, जानती हो. क्यों, पक नहीं जाते? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी ना? नहीं यार, गद्दे पर तो गिरी हूँ. और तुम्हें? नहीं, मैं गद्दे पे तुम्हारे ऊपर गिरा ना, इसलिए पूछ रहा हूँ. अच्छा, कहाँ से आए हो? वो फायर सर्विस. हाँ? आग बुझाने वाला. वो इधर शूटिंग चल रही है, मुझे पता नहीं था. मैं समझा तुम खुदकुशी कर रही हो, इसलिए बचाने आ गया. एनीवे, थैंक्स फॉर योर कंसर्न्स. अरे उठो. अरे रे, ये सब क्या हो रहा है? कुछ शर्म है कि नहीं? शेम, हाथ कर दी. कौन है ये? तुम्हारे खास है कोई? जी हाँ, मैं रहने वाली हूँ त्रिवानी कावल की, और मेरी माँ का नाम है अग्नेश्वरी, और मैं हूँ जननी. तुम सच कह रही हो? तुम अपना असली नाम बता रही हो? जो अपने हैं उनको असली नाम, और जो गैर हैं उनको नकली नाम. तुम भी सीख लो, काम आ जाएगा. जाओ जल्दी सीखो. रुको, वन सेकेंड. दिस इज रुक मंगल दास. ये रुक मांडा का रहने वाला है. रजनी को फेमस करने वाला यही आदमी है. मेरे खाने पीने को लेकर मेरे बेडशीट का कलर यही सिलेक्ट करता है. बाय द वे रुको, ये है मिस्टर जेरी, LB कॉलेज का फाइनल ईयर स्टूडेंट. बाय द वे, इतना झूठ नहीं बोलते. ये कॉलेज आईडी कार्ड, फायर ब्रिगेड में सर्विस करते हैं. ओके बाय. ओके बाय. ठीक है, बैठो. ओके. हेलो. ये लोकेशन दोबारा नहीं मिलेगा. इधर आग लगी हुई है, मेरा प्लान चौपट हो जाएगा. आग लगी हुई है? फायर सर्विस को छोड़ने जा रहा हूँ, बोलो तो आग बुझा देंगे. चल जा. ये शूटिंग आधे में क्यों कैंसिल करवा दी आपने? ये तो बहुत बड़ी फिल्म है, कब कंप्लीट होगी? क्या है बहुत बड़ी फिल्म है? ये तो पापड़ है, जब चाहे भूल जाएंगे. हे, दिस इज टू मच. कैसे फालतू बातें कर रहे हो? बताओ तुम्हें क्या चाहिए. तुम ये बताओ, शादी कब कर रही हो? बार बार शादी के बारे में मत कहो. फिल्म को छोड़ के मेरे लाइफ में कुछ नहीं है. पर लाइफ में सेटल होना भी जरूरी है, ये खेल नहीं सच्चाई है. सपोज अगर तुम्हें किसी से प्यार है तो हमें बताओ, मैं शादी करवाऊंगा. हाँ तो बताओ, अब करोगी शादी? मुझे थोड़ा वक्त चाहिए. ये बात हुई ना, अब सही है. मैं तुम्हें 10 दिन का समय देता हूँ, उसमें मुझे जवाब देना. ओके? मेरे हिसाब से तू रजनी को प्यार करने लगा है और आई लव यू कहने जा रहा है. क्या रे, रजनी कहाँ जा रही है? कहाँ से आ रही है? कौन सी शूटिंग अटेंड कर रही है? कौन से फंक्शन में जा रही है? ये सारी डिटेल मुझे मिल जाती तो. एक बात सुन, जब तक नहीं मिलता मैं भटकना पड़ेगा. सपोज उसकी डायरी हमारे हाथ लग जाए तो? तुम जानते हो, रजनी की पर्सनल डायरी. उसकी डायरी मिल जाए तो हमें सब पता चल जाएगा. ए, पैसा तुझे कितना पैसा चाहिए बता, मैं तुझे पैसा देता हूँ. पैसे की बात कर, किसी ने पॉकेट मार लिया. मेरा पर्स नहीं मिल रहा है. अच्छा, तेरा पर्स नहीं मिल रहा है? मैं बताता हूँ तेरा पर्स कैसा नहीं मिल रहा. परदेसी है क्या? छोड़ दे. सर, शराब पी के आप बिल का पैसा नहीं दे रहा है. छोड़ना, तू पहचानता नहीं क्या इन्हें? इतने बड़े इंसान की पैसों के लिए बेइज्जती कर रहा है तू? समझता क्या है, इनका पर्स खो गया है तो तू इनकी बेइज्जती करेगा? कितना बिल हुआ बता, मैं देता हूँ. 4,500 रुपए सर. ये ले जा. क्या बार बंद करके जा, क्या यहाँ से कहा ना. ए, तेरे पास इतना ढेर सारा पैसा कहाँ से था? किसके पर्स में? साहब के पर्स में. गलत है क्या? गलत तो नहीं, खुद पी के वो पैसा देता है, इसके बजाय उसके पर्स से पैसा निकाल के तूने पैसा दिया तो बिल्कुल गलत नहीं है. गलत है. सुनो, देखो, मैंने पी इसका पैसा, तुम क्यों दोगे? ये गलत है ना? मैं रजनी का बहुत बड़ा फैन हूँ सर, इसे एहसान की दोस्ती समझो सर. तू फायरमैन करेक्ट ना? करेक्ट सर. और ये कौन है? ये फायरमैन, और मैं बार बार बंद रख. सर वो रजनी है ना? सर आप रो क्यों रहे हैं? सर सर रजनी को 5 साल तक इस कंधे पे रख के पाला है. फिर क्या हुआ उसके बाद? क्या वो खुद बड़ी हो गई? अरे बाप रे, आप रजनी के प्रोग्राम के बारे में बता देते तो अच्छा होता. रजनी डेली सुबह 5 बजे शार्प उठ जाती है. उठने के बाद वो 5:30 बजे तक जॉगिंग करती है. अरे, ये 6 बजे तक जॉगिंग करेगा, तब उसके बाद क्या करती है? रजनी है ना, 5:30 बजे तक जॉगिंग.
जॉगिंग करने के बाद वो सीधे नहाने जाती है, बाथरूम में गई तो पानी खत्म होने तक ना आती है, उसके बाद बाहर आने के बाद फूल बोतल है, कौन सा जूस है मालूम है? करेले का, आंवले का, कोटमीर का, पपीते का, शलजम का, आम का, अफ्रीका, ये सब मिला के एक वेजिटेबल जूस वो पीती है। वो पीने के बाद शाम 10 बजे एक कार आती है, उसमें रजनी बैठ कर सीधा चली जाती है। सी विल गो टू डैश। क्या डैश? नहीं बताऊंगा। 10 से लेके 12 तक डैश में रहेगी। ये डैश क्या है वो तो बताइए। बता दिया ना। क्या बता दिया? नहीं बता सकता, कहा ना, इस तरह बार बार पूछोगे तो फिर से पीना पड़ेगा। एनीवे फायरमैन, थैंक्स फॉर द ट्रीट। ओके सुखी रहो। हेलो, ये क्या की रहते गया? रजनी से कैसे मिलेंगे पूछ रहा था ना, हमें उसके पास जाने की जरूरत नहीं, वो खुद हमें इनवाइट करेगी। क्या कह रहे हो? देख, अब बड़े भाई छोटे भाई, तू जेरी है ना? हाँ, मैं जेरी ही हूँ। तुम यहाँ पे किस लिए आए हो? जननी इनवाइट्स। काहे का इनविटेशन? तुमने इनवाइट किया था। मैंने किया था? तुम क्यों फेंक रहे हो? क्या सर, आप भी भूल गए? उस दिन दारू पी के जब पैसे देने का टाइम आया तो आपका पर्स तो आपकी जेब में गायब हो चुका था। उस वक्त हम ही ने आपका पर्स गायब करके वो पिक पैकेट, मतलब हमारा पर्स हम पिक पैकेट करके तुम्हारा पैसा हम ही ने तो दिया था ना। तुम हड़बड़ा क्यों रहे हो? हड़बड़ाहट में नहीं, अब आप फैसला कर रहे हैं कि नहीं? आप ही ने तो इन्वाइट किया था, भूल गए इन्वाइट करके? मैंने कहा था ना शराबियों की बात पर भरोसा नहीं कर। ड्रंकर प्लीज, तुम मुझे शराबी मत कहो यार। तुम दोनों को अभी अंदर जाना है ना, प्लीज गो। तो जाओ ना। नमस्ते। नमस्ते। हाय। उधर देख। सभी लोगों का स्वागत है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की खास वजह यह है कि रजनी समझती है कि मैं अपने फिल्म का डेट भी बढ़ा चुका हूं और टाइटल भी बदल चुका हूं। दूसरा टाइटल यह है कि बारिश आ रही है, छाता लेकर आ। अरे ये क्या है, 5 मिनट पहले तो तुमने कहा था कि जनता तुम्हारे साथ है, चिंता मत करो, अब कैसे बदला? 2 मिनट पहले हमारे टीवी प्रोग्राम के मैनेजर स्वामीनाथन उस नाम में मिस्टेक होने की वजह से बदलने को कहा। जनता जनता के साथ है, इसे जोड़ने के बाद देखते हैं तो 16 अक्षर आता है, इसीलिए टाइटल बदल दिया। दैट इज व्हाई द न्यू टाइटल इज बारिश आ रही है छाता लेके आ। ये भी जोड़े तो 16 अक्षर होता है। पूछा था, कहा जोड़ेंगे तो 16 आएगा, इसीलिए जोड़ी है मत। जनता के साथ जनता है, इसको क्यों जोड़ा? वो तो जुड़ना ही था। जोड़ने से 16 होता है, इसीलिए जोड़ना कैंसिल किया। वो तो जोड़ते रहना, लेकिन यहाँ आप लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है वो किस लिए, बताओ जरा हम लोगों को। प्यारे पत्रकारों, अगर आपको इस फिल्म के बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो आप रजनी जी से पूछ सकते हैं। हेलो, उधर तुझे बुला रही है। यू? तुम्हें? तुम कौन से पेपर से हो? भाग्य। सर मैं हूँ ना। भाग्य इन्हीं का है। ओके, तुम्हारा? मैं बिना भाग्य का। मैं भी बदनसीब हूँ। ये कौन सी पत्रिका है? शादी की पत्रिका से हूँ। अच्छा, शादी की पत्रिका, पहले कभी नहीं सुनी। वीकली है क्या? लंबा वीकली है, रिलीज करने में बहुत तकलीफ होती है। जनता के बीच में रिलेशन तो तुम ही बनाते हो ना? बिड़ू, इज्जत बचानी पड़ेगी। क्यों, भूल गए क्या? रजनी के बारे में तुमने ही एक बार बहुत कुछ छपाया था, याद आया? जी हाँ। क्या वही दोहरा रहे हो? हाँ, मैंने जो वहाँ शुरू किया था उसे यहाँ बढ़ा रहा हूँ। कोई बात नहीं, जो यहाँ शुरू करूँगा वहाँ खत्म कर दूंगा। तुम्हें क्या लगता है यहाँ और वहाँ एक ही है ना? एक क्या बीड़ू? मैडम, सारे सवाल क्या हम ही से पूछोगी? और लोग भी तो बैठे हैं यहाँ। वो क्या है, पत्रिका की बात छोड़िए, मैं एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो। प्यार के बारे में क्या सोचती हैं आप? प्यार एक अच्छी कल्पना है, जैसे तुम सोचोगे वैसे मिलेगा।
और मैं फिल्म के बारे में सोचती हूँ। आई लव सिनेमा। अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने उसी हिसाब से नहीं पूछा। जो प्यार के बारे में तुम सोचते हो वो मैं बिल्कुल नहीं सोचती। मेरा करियर इम्पोर्टेंट है और मुझे तो इंडस्ट्री में अभी बहुत कुछ करना है। पैसे के चक्कर में चाहे किसी का नाम बदले या ना बदले, लेकिन हमारे रजनी जी का नाम बदलने वाला है। मैं ये अनाउंसमेंट करता हूँ। रुको, ये क्या बोल रहे हैं? यस, मिस रजनी मिसेस रजनी बनने वाली है। मिसेस? क्या कहा? मिसेस रजनी? रुको, आई एम सॉरी, मैं सही कह रहा हूँ, ये नहीं कह पा रही हैं, इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ, इस एक साल के अंदर रजनी जी की शादी होने वाली है। शादी हो रही है? शादी? अरे ये तो बताइए, लव मैरिज है अरेंज मैरिज है? आप सिनेमा छोड़ देंगे क्या? लड़का हीरो है या डायरेक्टर? एनफ, बहुत हो गया, ये सब बातें अब मत पूछिए। बट वन थिंग इज श्योर, एक साल के अंदर रजनी इज गेटिंग मैरिज। यू रुको, फिल्मों में नहीं आया होगा एक ऐसा नया स्क्रीन प्ले, रजनी के घर जाकर, फिर उसके बेडरूम में घुसकर, ड्रेसिंग ड्रावर में घुसकर, रजनी जब आएगी तो फटाक से उसे रोज देकर सरप्राइज कर दूंगा। कैसा लगा मेरा स्क्रीन प्ले? वाह, स्क्रीन प्ले तेरा सुपर यार। और डायलॉग? तो वो बोलेगी आई लव यू। हेलो, क्या है, क्या है सिक्योरिटी? क्या कहा? इनकम टैक्स वाले रेड मारने आए हैं? अरे रे रे, अंदर आने मत देना वरना मैं अंदर चला जाऊंगा। दरवाजा बंद करो। फॉलो ऑन। आई एम सीनियर इंस्पेक्टर इनकम टैक्स बार्बर डिसूजा। बार्बर? हाँ, डिसूजा। हेलो। ए पागल। यस सर। सर, अबे तू जल्दी से अंदर जाएगा तभी तो मैं वहां आऊंगा। सॉरी सर, सॉरी सर। ओके सर। ए चिदंबरम, चिदंबरम ऑफिसर का फोन था। कौन चिदंबरम? एफएम सर। रेडियो मिर्ची सुना है? अरे रे रे रे, फाइनेंस मिनिस्टर चिदंबरम तुमसे बात करने वो मुझे डांट रहे थे, गुस्से में आ गए हैं। अब तो मुझे ही कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करना पड़ेगा। सर, आप लोग अपने आप को इनकम टैक्स ऑफिसर बता रहे हैं? आपके पास कोई सबूत है? ये कैसा सवाल कर रहे हो तुम? ये देखा क्या, मेरे कमर में मत्सा पैदाशी है, बर्थ सर्टिफिकेट और राशन कार्ड दोनों में है। ढक दो इसे। हेलो। ये ढक्कन, गेट पर सिक्योरिटी है, मैं अंदर कैसे आऊंगा, सोच तो जरा। सॉरी सर, सॉरी सर, मैं अभी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। क्या हुआ? सिक्योरिटी को बुलाओ। सिक्योरिटी का क्या काम है सर? हाँ। जो कहना है आप मुझसे कह सकते हैं। तुम्हें पता है, मुझे पता है, लेकिन जो उन्हें पता है वही जानते हैं। क्या मतलब? वही आना जाना, आना जाना। अरे रे। सर, बहुत हैवी रिकमेंडेड डिपार्टमेंट से आए हो क्या? हाँ? तुम मेरी बात का बुरा मत मानना, ये रेट तुम्हारा पहला बाउनी है क्या? शिट, कौन सिक्योरिटी? वन सेकेंड, सिक्योरिटी आया सर। मॉर्निंग सर। तुम ही यहाँ सिक्योरिटी हो? जी हाँ सर। अंदर बहुत कुछ छोड़ देता है। मैं कुछ समझा नहीं सर। सर, इसकी पगार 500 रुपये मात्र है, ये क्या छुपाएगा सर? हेलो। अबे बगीचे वाले को वहाँ से हटा, वो बीच में खड़ा है। यस सर, बगीचे वाले गार्डनर को बुलाओ। ए, एक एक करके क्या बुला रहा है, सबको एक साथ अंदर बुला। ओके सर। हेलो, बगीचे वाला, घर वाला, टाइम वाला, ड्राइवर वाला, सबको यहाँ पे मेरे पास बुलाओ। तुम जिस तरह से रेट कर रहे हो तुम इनकम टैक्स वाले नहीं लगते। अरे तुम तो मुझे कोई लूटने वाला डकैत लगते हो जो इतना परेशान कर रहे हो मुझे। ए तुम सब लोग इधर आओ। ए ऑलमोस्ट मैं हॉल तक पहुंच गया हूँ, हॉल पार कर गया तो अंदर भी पहुंच जाऊंगा, अब क्या करेगा? घबराओ मत सर, उसके लिए एक आइडिया है, अभी दिखाता हूँ। सबके सब मुंह घुमा के खड़े हो जाओ। इनकम टैक्स रेट के लिए मुड़कर क्यों खड़े हो? मिस्टर रुक मंगादर, इनकम टैक्स वो विभाग है, एक अगवाड़ा टैक्स, दूसरा पिछवाड़ा टैक्स। अगवाड़े टैक्स में हमने देख लिया, घूम के खड़े हो जाओ तो पिछवाड़ा टैक्स भी पता चल जाएगा।
सर सर हम लोग आपस में एक बराबर है क्या? इसके आगे और क्या हो सकता है सर? ठीक कहा, ये इनकम टैक्स का रेड है या हॉर्स रेडिंग वाला? तुम्हारे कहने के मुताबिक मुझे भी शक हो रहा है। फिर फोन। ओके डन, ऑपरेशन सक्सेस, मैं अंदर तक पहुंच गया हूँ। ओके सर, किधर है तुम्हारा ब्यूरो लैन? ब्यूरो लैन वाला सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। उतना बड़ा सीनियर? बहुत बड़ा सीनियर। अब हमारा काम हो गया है, अब हम लोग चलते हैं। बच गए। रुको रुको, तुम आ गई। तुम एक बार जानती हो इनकम टैक्स जाकर? जानता हूँ, ये सर्च वारंट है। अपने घर में तुम खुद रेड करा रही हो? रुको, पहले पढ़ो तो सही। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मुझे बेस्ट इनकम टैक्स पेयर का सर्टिफिकेट दिया है। लवली, कंग्रेचुलेशन। हाँ, एक मिनट, कुछ मिनट पहले इनकम टैक्स वाले रेड करने आए थे। What? फिर वो कौन थे? बगल में झूला डाल के बच्चों की तरह झूला रहे, कुछ गड़बड़ लगता है। अभी मुझे समझ में आया। अरे रुको, कोई चोर आया होगा। हाँ? तुरंत पुलिस को फोन करके बताओ। हाँ? अंजीवा, ये जीप है। ये मामला बहुत संगीन है मैडम, कोई इनकम टैक्स वाला बनकर कोई जरूरत नहीं है। आपके घर की तलाशी लेनी है। आजकल शहर में एक ऐसा गैंग आया हुआ जो रेड मारने के बाद लोगों के घर में घुस जाते हैं, उनके कुछ लोग घर में छुप जाते हैं और रात को सब लूट के ले जाते हैं। अरे रे, आप जरा होशियार रहिए। तुम वो मॉडल पुलिस वाली हो ना? गुड ऑफिसर। यस मैम। तुम चारों तरफ चेक करो। ओके मैम। मैं ऊपर जाके उधर। हाय, हेलो मैडम, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। इनफैक्ट आपकी फिल्मों को देखकर मैं काफी इंस्पायर होती। वो कहानी मेरी थी, बताया नहीं क्या? सच कहूं तो आप ही मेरी रोल मॉडल हैं। थैंक यू। ओके मैडम, आई जस्ट गो बैक टू माय वर्क। ओके ओके, सीढ़ी जो है ना, सीढ़ी बाजू से। रजनी के घर में तुम कैसे? रजनी के घर में तुम कैसे? तुम कैसे? मैं तो पुलिस वाली हूँ। मैं चोर हूँ। चोर हो? चोरी करने आया तुम्हारे दिल को। मैं महाचोर। झूठ मत बोलना। रजनी के घर आ रही हूँ, तुम्हें कैसे पता चला? रजनी के घर क्या, तुम मेरे घर आओगी, मैं वहाँ भी मिलूंगा। एक छोटा सा घर बसाएंगे। ठीक है, अब तुम जाओ यहाँ से। क्या? बाहर जाओ ना प्लीज। हाँ हाँ। ओके, मैं यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता निकालती हूँ। तब तक तुम अलमीरा से मिल लो। हेलो हेलो, तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हारे लिए ये डायरेक्ट मिलने की मेरी एक सेटिंग है। ये अलमारी नहीं है, तुम्हारा दिल है। सो इस वक्त मैं तुम्हारे दिल में हूँ और मेरे हाथ में फूल। जहाँ लड़की है वहाँ फूल जरूरी है, इसलिए तुम्हारे श्रृंगार के लिए मैं फूल ले आया। अच्छा स्वीट। ए, कुछ देर पहले यहाँ पुलिस वाली सर्च करने आई थी, कहीं उसने तुम्हें देखा तो नहीं? तुम्हारी आंखों में बंद होने के बाद मैं किसी को कैसे दिख सकता हूँ? अरे अरे, मेरे डायलॉग्स मत बोलो प्लीज। उन्हीं से बचने के लिए तो मैं इतनी देर से यहाँ बैठा हूँ। ठीक है, तुम यहाँ से बाहर कैसे जाओगे? तुम टेंशन मत लो, उसका इंतजाम कर दिया है। ठीक है ठीक है, तुम यहाँ सेफ तो हो ना? अच्छा मैं चलती हूँ। हे भगवान। अरे सुनो तो, अरे कहाँ हो तुम? सुनो। हाँ क्या है ये सब? अलमारी में फूल क्यों लगाया है? बाल के बजाय अलमारी में फूल लगाया है, लगता है उसके पास बहुत सारे फूल है। देखता हूँ मैं उसे। तू 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 जेरी है ना? हाँ, मैं जेरी हूँ। वो ठीक है, तू यहाँ कैसे? उस दिन बार में बार का नाम मत लो, मैं शराब पीता हूँ, ये उसे नहीं मालूम है। ठीक है, तो उस दिन डैश में। डैश में? ठीक है, तो बार में नाम मत लो। ठीक है बताओ। तुम्हारा पर्स गुम गया था ना? वो मुझे मिल गया है, उसे ही तो लौटाने आया हूँ। वो ठीक है, पर ये फूल? पर्स के साथ फूल देना गुनाह है क्या? उससे इसका क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं है, पर्स चाहिए तो वही दे देता हूँ, मुझे क्या करना है। ये लीजिए आपका पर्स।
लॉजिक ओके। सपोज तुम इस वक्त रजनी के बेडरूम में हो, ये बात मैंने पुलिस को बता दी तो? सपोज तुम बार में शराब पी रहे थे, मैंने रजनी को बता दिया तो? क्या यार, एक दूसरे को फंसाने के चक्कर में है, वो सब छोड़ो, तुम यहाँ से जाओगे कैसे? अरे बार बार हर कोई यही सवाल पूछ रहा है सर, उसका इंतजाम मैंने कर लिया है सर। ओके देखो, इसको तुम अपना ही घर समझ के यहाँ से चुपके से निकल जाओ। साला पागल है। जेरी बी रेडी, तुम पुलिस का यूनिफॉर्म पहन लो और निकल जाओ। ओके शेम शेम, फिर तुम क्या पहनोगी? छी नॉटी। रुको, ठंडा पानी आया मैडम। अरे अरे क्या बात है मैडम, आपने मुझे नीचे से ऊपर बुलाया, मेरा प्रमोशन है क्या? माफ करना ठंडा पानी। क्या मैडम, प्रमोशन की जगह पे डंडा मार दिया, अरे बाप रे। अरे कांस्टेबल तुम हो क्या? नाइस आइडिया। ठीक है ठीक है, जल्दी जाओ जल्दी जाओ। गुलाब फूल, थैंक यू, बाय। बार बार दिन ये बार। देखो सर बोलो, बाहर मत बोलो। ओके बॉस। ओके सर। अरे फूल कहाँ है? फूल को जहाँ जाना था वहाँ चला गया। क्या मैडम, आपने मुझे मारा क्यों? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तुम बाद में पुलिस स्टेशन में आके रिपोर्ट करना। हाँ तुम चड्डी में क्यों खड़े हो, तुम्हारी यूनिफॉर्म किधर है? ये कौन है मैं इसे नहीं जानता, लेकिन इसने जो यूनिफॉर्म पहनी हुई है वो मैंने कहीं देखी हुई है। ए, रुको रुको मैडम। क्यों जेरी, हार मानता क्या मेरे से? शर्त वापस ले ले तू। पुलिस वालों का भी मैं पिक पॉकेट कर चुका हूँ। आई लव यू बेब। ओके तो हीरोइन जननी उसका क्या? कैमरा स्टार्ट हो चुका है, अब एक्शन ही बाकी है। Remove it. निकालो निकालो। अरे जल्दी से निकालना, चल। तुमने गलती की है ना, सॉरी बोल। ए शट अप, इसके सॉरी किस काम की? इंसान एक गलती करे तो भूल जाओ, दूसरी गलती करे तो माफ कर दो, लेकिन इसकी गलती मरने के बाद भी कोई नहीं भूल सकता। इडियट। ए जानकी, ए ए जानकी रुक रुक रुक। ए जानकी मैं किसी के भी सामने तमाशा बना देते हो, मजाक करते हो, अब हाथ पकड़ लिया? नहीं है जानकी। जस्ट शट अप। ओके क्या बात है, मुबारक हो, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। तुम्हें आई लव यू करने वाली तीसरी लड़की, अभी तुम्हें डांट की टॉनिक देके गई ना, वही है। गलत स्टेप नहीं होना चाहिए, क्यों चलेगा ना, तुम वहाँ खड़े होकर वेट करोगे। सेक्सी जानम आया करो कहकर बुलाना है। अरे तू जाने यार, बाद में आ, लाइट बराबर है, स्टार्ट साउंड रोलिंग। बहुत बढ़िया सर, करके दिखाओ। अरे मुझे कोई उठाओ। बाप रे, ठीक है मेकअप टचअप करो, अब टेक करते हैं, ये डांस मास्टर का भी काम मुझे ही करना पड़ता है। रेडी हो? रेडी सर। रेडी हो? फनी। अरे रेडी कहाँ, अभी तो टचअप बाकी है। हेलो, मैं शूटिंग के लिए नहीं पूछ रहा, शादी के लिए तैयार हो क्या? ए तुमने मुझे एक महीने का टाइम दिया ना, अभी 28 दिन हुए हैं, 3 दिन बाकी है। मैडम ये फरवरी का महीना है, ये महीना 28 को पूरा हो जाता है। ये देखो मेरा दिया एक महीना खत्म हो गया, बताओ तैयार होना?
ओके। क्या तुम किसी से प्यार करती हो? हेलो, सुन रही हो? तुम्हें किसी से प्यार है क्या? अगर तुम किसी से प्यार करती हो तो मुझे बहुत खुशी होगी, उसके साथ मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। रुको सर, एक मिनट, एक मिनट, मैं उसे मिलकर आता हूँ। अपने पेमेंट के लिए 100 बार बुलाएगा। हाँ, क्या जवाब दूँ? हाँ, अगर तुम प्यार करती है तो कह दो। हाँ, आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन तुम्हें कैसे पता? ओह बाप रे, टेक करे क्या? हाँ रेडी सर। तुम क्या रेडी हो? हाँ। स्टार्ट साउंड। हे, ऑटोग्राफ अभी नहीं, बाद में आया, चल जा। स्टार्ट कैमरा। 1 2। अरे पीछे हटो, पीछे हटो, चलो। अरे अरे अरे, क्या धक्का दे दिया इसको? कहीं भी आ जाता है, एक्शन में भी आ जाता है, कहां से आ जाता है ये? यहाँ रुको। क्या है बोलो? तुम पूछ रहे हो ना? रजनी, क्या तुम इससे प्यार करती हो? हाँ, यस। थैंक यू बेटा। हॉलीवुड बॉलीवुड भोजपुर टॉलीवुड, तेरे आगे सब है बस एक प्लाईवुड, तोड़ के न जाना जाने जाना मन का वुड, सेक्सी दिल रुबा। शाहरुख खान, शाहजहां खान, आमिर खान, सलमान खान, स्पाइडरमैन, तू ही मेरा सुपरमैन, मन में ही तू ही, धड़कन में भी तू है मेरे हमनवा, सारी दुनिया में जाने मन, तू है नंबर वन, ब्रह्मा की बनाई तू रचना अनुपम। जाने जा हॉलीवुड बॉलीवुड भोजवुड टॉलीवुड, तेरे आगे सब है बस एक प्लाईवुड, तोड़ के न जाना जाने जाना मन का वुड, सेक्सी दिल रुबा। मेरा तन, ये जीवन है तेरा।
बॉलीवुड बॉलीवुड भोजवुड बॉलीवुड तेरे आगे सब है बस एक प्लाईवुड तोड़ के ना जाना जाने जाना मन का वुड सेक्सी दिल रुबा शाहरुख खान शाह जहान आमिर खान सलमान खान स्पाइडरमैन तू ही मेरा सुपरमैन मन में है तू ही धड़कन में भी तू है मेरे हमनवा इधर देखो लुक लिसन तुमने कहा था तुम जेरी से प्यार करती हो रुको मैं एक टेप में रिकॉर्ड करके आई लव यू जेरी करके दे देती हूँ दिन भर सुनते रहना कितनी बार कहूँ यार ठीक है ठीक है ठीक है जेरी से तुम प्यार करती हो जेरी भी तुमसे प्यार करता है क्या ऑफ कोर्स रुको जेरी मुझसे प्यार करता है तभी तो मैं उससे प्यार करती हूँ लेकिन तुम लोग कभी मिलते ही नहीं कौन कहता है जब हम मिलते हैं वो तुम्हें बताना जरूरी है ओके फाइन तो आज मुझे बिना बताए बिना तुम लोग कहाँ मिलने वाले हो पता नहीं मैं नहीं जानता हूँ और तुम भी नहीं जानती वो इजी रोड में बीच रोड में अगर एक्सीडेंट हो गया तो वो नहीं रुकू इजी रोड पर वो ऑनशोर रिसॉर्ट है ना वहीं पर ऑन रिसॉर्ट में लवली वेरी गुड प्लेस मैं अभी जूस लेकर आता हूँ क्यों हंस रही हो क्यों हंस रही हो तुम सब एक जैसे हो गलती से मैंने एक बार किसी से कह दिया कि मैं प्यार करती हूँ हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गए और तुम भी अरे कल का कल देखा जाएगा बट आज के दिन ऑनशोर रिसॉर्ट में मैं भी आऊंगा देखो जेरी जानकी के मामले में कोई बात छुपा के रखना कपाट में छुप जाना ये सब चलने वाला नहीं एक ही काम हो सकता है पैर में गिर जाओ क्या कहा पैरों में गिर जाओ नेवर प्यार में किसी के पैर पर गिरना गलत है लेकिन ये तो शर्त है भाई मेरे मेरा पैसा मत डुबोना तू क्या चाहता है लव लेटर लिख दूं उसे अरे नहीं लव लेटर लिख के मत देना तुम दोनों के बीच पहले ही आंख लड़ी है अब सारी सच्चाई बता देना उसके सामने सच्चाई रख के पैचअप करा ले लड़की टीचर को कुछ इस तरह चिट्ठी लिखनी चाहिए कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है मैं इस कॉलेज में सबसे अहम पार्ट तुम्ही से पढ़ना चाहता हूँ मैंने सारी बुराइयाँ छोड़ दी तुम्हारा अपना शिष्य बुद्ध जेरी इस तरह एक रिक्वेस्ट लेटर लिखो अच्छा ये अर्जेंट लेटर कंप्यूटर में टाइप करके लाना ओके मैडम डियर जे दिस इवनिंग ऑनशोर रिसॉर्ट में मैं आ रही हूँ वहाँ पर मैंने एक कॉटेज का इंतजाम किया है तुम्हें आना होगा फ्रॉम जे मैडम दोनों जे एक ही है क्या इंग्लिश में तो एक ही जे होता है तुम जल्दी से टाइप करना एलबी कॉलेज में जेरी फाइनल ईयर का स्टूडेंट है उसे दे देना तूने जिस तरह मुझे बताया उसी तरह कंप्यूटर सेंटर में जाके टाइप करा के कॉलेज में लेके आ मैं वहीं हूँ ओके बीड़ू डन हेलो वर्मा हाय और कैसा है सर ये जेरी कहाँ मिलेगा मैं हूँ जेरी ओह तो तुम ही जेरी हो जेरी बोलने के लिए ऐसे सांप की तरह क्यों कर रहा है आपके लिए लेटर है ला बीड़ू ने दिया ना नहीं मैडम ने दिया है हैं अच्छा मैं चलता हूँ ये पागल क्यों बीड़ू को मैडम बता के जा रहा है शे ए तू यहीं रुक मैं अभी आता हूं जानकी हाँ पुरानी बातें सब भूल जाओ कौन सी पुरानी मतलब भूल गई पता नहीं मैं और तुम एक ही कॉलेज में हैं और हम दोनों एक क्लास में भी हैं फ्रेंडशिप तुम कहना क्या चाहते हो क्या कहूँ ये तो पता नहीं जो कहना है वो ये लेटर में है जेरी मैं तुम्हें आज तक बहुत बेवकूफ ना समझ और पागल ही समझ रही थी लेकिन ये चिट्ठी पढ़ने के बाद समझ गई पक्का समझ गई ना तुम महा बेवकूफ हो फूल नालायक तुम ऐसा क्यों कह रही हो डियर जे जे फॉर जानकी है ना शाम को मैं ऑनशोर रिसोर्ट में आ रहा हूँ वहीं पर मैंने कॉटेज बुक किया है तुम्हें आना होगा फ्रॉम जे यही जे फॉर जेरी है ना जानकी ये नहीं है जानकी वो तेरे लिए नहीं है देखो सोचना गलत नहीं है लेकिन सारी सोच आखिर में जाके सेक्स पर ही रुक जाती है सेक्स में पहुँचने के बाद सपना फिर सपना नहीं रह जाता कॉटेज बुक किया है सपना पूरा करने के लिए इसलिए मैंने तुम्हें नालायक कहा छोटी सी छोटी बीमारी माइक्रोस्कोप से पकड़ सकते हैं लेकिन सपने के कीड़े को माइक्रोस्कोप भी नहीं देख सकता और इसके अलावा किसी से भी नहीं बिकॉज यू आर ब्लाइंड मुझे क्या बेवकूफ लड़के समझ रखा है अगर तुम शेर हो तो मैं सवा शेर हूँ
मॉर्निंग मैम। शिट। थैंक यू। अरे जेरी, जानकी अभी गई, जाके उसे चिट्ठी दे दे। दे दिया। दे दिया क्या? क्या हुआ? बदले में उसने भी दिया। लेटर। ओह, लिप टू लिप? नहीं। हैंड टू चिप। हैंड टू चिप? ओह, लाइन किस दिया? मैंने कहा था ना, ये आइडिया जरूर काम आएगा। ऐसे दिया ना? इधर दिया ना? नहीं नहीं। ऐसा था। तूने मुझे क्यों मारा? सॉरी बिडू, मैंने मारा ये मत सोच। तू जो आइडिया दिया था उसके लिए प्यार से शुक्रिया अदा किया, ये सोच। ओके सर। जेरी, हाँ। वीजा लगा दिया है रजनी और तेरे लिए, रिवेरा रेस्टोरेंट में एक टेबल रिजर्व कर दिया। उधर देख बिडू, रजनी के भेष में जीवा कहाँ से आ गई? नहीं, जीवा ही जीवा के भेष में आ रही है। अरे चुप करना यार। अरे जेरी, एक पत्थर में दो शिकार कर, पटा ले और इसको आई लव यू बोल ही डाल। तुम लोगों को मैं आज यहाँ क्यों लेकर आया हूँ इसकी वजह जानते हो तुम लोग? जानता हूँ सर। दो दिन पहले बारिश में भीगने की वजह से हमारा यूनिफॉर्म खराब हो गया था, तो कंपनी हमें देगी ना सर? आप भी यूनिफॉर्म लेंगे ना सर? सही बोला ना कमिश्नर सर? चुप रहो, कमिश्नर मत बोलो। ठंडा पानी, एक सीक्रेट मीटिंग है, समझे? यस मैम। हे जेरी, सर आप जाइए, मैं आती हूँ। सब लोगों ने तुम्हें यूनिफॉर्म में देखा है, मैंने तुम्हें कलरफुल साड़ी में देखा है। थैंक यू मैम। वेलकम मैडम। थैंक यू। मेरे लिए नहीं है, कभी कभी मेरे लिए भी तो लाया करो। एक मिनट, मैं अभी आया, तुम जाओ। ए, दोनों आ गए रे। तेरी छुट्टियाँ। हाय जीवा। हाय रजनी मैडम। नाइस, वाव, हमेशा तुम्हें यूनिफॉर्म में देखा है, आज साड़ी में बहुत अच्छी लग रही हो, यहाँ कैसे? मर गई, कहीं से सच्चाई पता चल गया था। हाँ, आप कुछ पूछ रहे थे ना? वही तो, ऑफ ड्यूटी में किसी से मिलने आई हो? अब मैं आपको क्या बताऊँ, एक्चुअली रेड करने आई थी, एनकाउंटर करने से पहले वो एस्केप कर गया। By the way, शूटिंग नहीं है तो डेटिंग कर रही है, हाथ में गुलाब लेकर। अरे इसे भी बढ़िया था। डील नंबर वन। हेलो। हेलो, मैं जीवा बोल रही हूँ। कहो ना जीवा। तुम कहाँ हो? यहीं पर, माउंट रोड पर। माउंट रोड में? तो फिर ठीक है, अगर 10 मिनट के अंदर तुम रेस्टोरेंट में नहीं आए तो देख लेना। देख लिया क्या? मैं तुमसे मिलने के लिए रेस्टोरेंट में आके वापस आ गया, इसलिए सोचा बेकार में मजाक कर लिया। ए, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, मेरे सामने एक खूबसूरत लड़की बैठी है, बताओ तो कौन है? कौन? रजनी तो नहीं है ना? तुम्हें कैसे पता चला? वो मैं जानता हूँ, मेरा नाम जेरी है। मैडम, मैंने आपसे कहा था ना, एक लड़का आपका बहुत बड़ा फैन है, जरा उससे बात कर लीजिए ना। श्योर। हेलो। हेलो, मैं रजनी बोल रही हूँ। रजनी मैम, कैसी हो तुम? तुम्हारी फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगती है। हाँ, उसकी उम्र क्या है? कॉलेज में पढ़ता है। ओह, मिडिल एज्ड है क्या? हेलो, तुमने किस आवाज में बात की? मिडिल एज्ड कह रही है तुम्हें? मैंने ऐसे ही बात की, फिर से फोन दो। हेलो। या हेलो, रजनी आंटी, तुम्हारी फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगती है। लगता है कोई बच्चा बोल रहा है। वो तुम्हें बच्चा कह रही है? वो पागल है, छोड़ो ना उसे। ठीक है, पता नहीं कहाँ है, जल्दी आओ ना, मुझे तुमसे बात करनी है। अरे अरे, डील नंबर दो। हाय रजनी, कहाँ हो तुम? इधर ही गाड़ी में हूँ, ट्रैफिक बहुत है, जल्दी से आओ। सिग्नल कंटिन्यू कर। रोड पे ट्रेन कहाँ से आ गई? ओवर एक्टिंग मत करो यार, प्लीज। ओके ओके ओके, जल्दी आ जाना प्लीज। ओके ओके। कब से तुम्हारे इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आओ ना तुम। मैं कमिश्नर बोल रहा हूँ बेटा। इडियट।
आप कमिश्नर है ऐसा मत बोलिए सर। ऐसे चिल्लाओ मत सर, ये सीक्रेट मीटिंग है, हम लोगों के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। सीक्रेट मीटिंग, जल्दी आना बेटी। सॉरी सर, मैं आप लोगों के पास 2 मिनट में आती हूँ। हाँ सर, थैंक यू। कहाँ है, आया नहीं? ओके, मैं आती हूँ। बाय बाय। मैडम, आपने जो ऑर्डर दी थी वो डॉल आ गई है। थैंक यू, वेलकम। हाय जेरी। हाय। क्यों जीवा, अर्जेंट बुलाया मुझसे मिलके? कुछ रुक जाओ, कहना चाहती थी, कहो ना। तुम्हें देखने के बाद सब कुछ भूल जाती हूँ मैं। हैं? तो फिर अर्जेंट में क्यों बुलाया मुझे, बताओ बताओ ना, कम ऑन बोलो। वो मेरा, वो तुम्हारा, वो मैं क्या कहना चाहती हूँ, मैं क्या, क्या कह रही हूँ, बात नहीं कर पा रही हूँ, मुझसे हिम्मत नहीं हो रही है। इस साड़ी में मैं बिल्कुल शोकेस की गुड़िया जैसी, मतलब बहुत खूबसूरत लग रही हो, यही कहा। ये लो गिफ्ट। क्या है ये, गुड़िया है? हाँ, पेट में मार के तो देखो। मारू? गुड़िया के। सुन लिया ना, उसने बोला है, ये तो गुड़िया ने बोला है, गुड़िया ने, उसने नहीं। ए, तेरी तो। गुड़िया ने जो कहा है समझ लो मैंने कहा है। क्या कर रहे हो तुम लोग यार? हे, इतने लेट क्यों आए? वही तो मैं भी जानना चाहता हूँ, जेरी लेट क्यों? मैंने कहा था ना, ट्रैफिक जाम था। किससे कहा था तुमने? तुमसे कहा, ये किसने कहा? मैंने तो रजनी से कहा। इसने मुझसे कहा था। ये कौन कह रहा है? ये इसने कहा? इसने कहा बेटा, बोलने वाली गुड़िया है। जेरी को जो आई लव यू कहना था इस गुड़िया ने कह दिया। ठीक कहा ना मैंने जेरी? हाँ 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 हाँ। है ना रजनी? है ना? रुको, छी, जेरी तुम्हें गिफ्ट दे रहा है, ले लो ना प्लीज। दिए बगैर वो लेगी कैसे, दो ना जल्दी। थैंक यू सो मच, हाउ स्वीट। क्या स्वीट? अभी क्या बोलते हो? आई लव यू जेरी थोड़ी बोला, जेरी को गुड़िया ने आई लव यू बोला था, रजनी आई लव यू बोल ही नहीं सकती। गुड़िया लेकर चुप क्यों हो गए? तुम्हें भी कुछ कहना है, आई लव यू कह दो ना बेटा। वो तो मैंने आपके सामने उस दिन कहा था ना, रुको प्लीज। अरे कम से कम गिफ्ट के बदले गिफ्ट देना चाहिए ना। तुम ये लो। ये क्या है? ये भी गुड़िया है, गुड़िया के बदले गुड़िया, गिफ्ट के बदले गिफ्ट। ये देखो, जो आई लव यू तुम्हें कहना चाहिए वो आई लव यू गुड़िया कहेगी, क्यों जेरी? दो ना बेटा, दो दो दो। आप खुश हो? मैं तुम दोनों के प्यार का एग्जाम ले रहा हूँ बेटा। क्या 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 बोलता है? रुको चलो ना, कल चलते हैं, है ना? जेरी कल हम नहीं मिल पाएंगे, परसों जरूर मिलेंगे। गुड़िया गुड़िया, गिफ्ट गिफ्ट। थैंक यू, बाय बाय बाय। ए कौशिक, रंजी जीवा दोनों ने आई लव यू कहा, दोनों ने कहा, दोनों ने कहा, हमने आधी जंग जीत ली, बची कुची आधी भी जीत जाएंगे। हे जेरी, तुम अभी तक इधर ही हो? ये क्या, दूसरी गुड़िया? तुम जो कहना चाहते हो ये कह रही है। ठीक है, मेरा दिया हुआ गुड़िया कहाँ है? वो क्यों पूछ रही हो? उसमें बम है, ऐसा इन्फॉर्मेशन मिली है। क्या कहा, बम है? आज मैं बहुत खुश हूँ। चल रहा है पता नहीं। हाय, हाउ आर यू मैन? अच्छा अच्छा, मैं उतनी दूर नहीं आ सकती ना, 10 मिनट भी लेट हुआ तो डैडी को शक होगा, जान के क्यों नहीं आई, जान के क्यों नहीं आई करके चिल्लाएंगे। उस दिन तुमसे बात करते हुए डैडी ने देख लिया था और उन्हें शक हो गया था। ठीक है बाबा, हम मिलेंगे तो मेरा भी एंजॉय हो जाएगा। ठीक है, ओके बाय। थैंक यू मिस्टर हेलमेट। माँ मैं जा रही हूँ। किधर 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 जा रही हो तुम? अपने लवर से मिलने। क्या कहा, लवर से मिलने जा रही है? त्योहार आने से पहले शादी हो जानी चाहिए इसकी।
ओके डैडी ओके, मैं अपने लवर को ले आती हूँ, शादी की डेट फिक्स करवा दो वरना त्योहार निकल जाएंगे। देखा तुमने, जबान लड़ा रही मेरे से। क्या हुआ, इसमें हंसने की क्या बात है? और नहीं तो क्या डैडी, कल मेरा बर्थडे है, सारे फ्रेंड्स को बुलाया है, केक वगैरह नहीं लाना क्या? उसी के लिए शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, समझे ना। चलती हूँ माँ। खाली दोस्तों के साथ भटकेगी, कब आएगी तुम्हें मालूम है क्या? कल सुबह तक जरूर आ जाएगी वो। अरे अरे अरे, समझ गया, सब कुछ समझ गया। तुम थोड़ा चुप रहो ना, कल उसका स्कॉलरशिप का एग्जाम है, सब उसी की तैयारी कर रहे हैं। जेरी के साथ कंबाइंड स्टडी करने गई है, नहीं जाए क्या? थैंक यू। क्यों जी, मेरे लिए फोन कट कर दिया क्या? हाय, हाँ, आई एम जानकी हियर, हाउ आर यू डार्लिंग? नहीं, लेट नहीं हो सकता है अब। देखो कल बर्थडे है ना मेरा, गिफ्ट भी मुझे चाहिए, ज्यादा महंगा नहीं चाहिए। ओके, आई विल बी वेटिंग फॉर यू, बाय। वन सेकंड, थैंक यू मिस्टर हेलमेट। गिफ्ट खरीद लिया मैंने, देखो 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 देखो। हाँ बेटा, मम्मी मम्मी बेटा। देखना ये राज तुम कब तक छुपाओगी, बताओ ना जानकी। बोलो ना, क्या कौन सा राज? कब तक तुम इसे मामा करके दिलासा दोगी? किस बात का दिलासा? जब इसको मैंने आपके घर पे पहली बार देखा तभी मैंने डिसाइड कर लिया कि यही मेरी पहली औलाद है। ठीक है, हाँ? कल तेरी शादी हुई तो तेरा पति? जी हाँ, मेरे होने वाले पति ही इस बच्चे के बाप होंगे, ठीक है ना? इसका बाप बनने को जो राजी होगा मैं उसी से शादी करूंगी। अच्छा ओके, टाइम हो गया है, तुम लोग अब जाओ। अच्छा बेटा, अब मैं जाऊँ? मैं बाद में फोन करूंगी। हाँ बेटा जाओ। I love you मेरा बेटा, बाय। ओह ये मैं जहाँ जाती हूँ तुम मुझे फॉलो करते हो। जेरी तुम हो? यूज काउंटर, तुम हेलमेट पहनकर मेरी जासूसी कर रहे थे, रास्कल। ए ए जानकी, लिसन, प्लीज लिसन। ए ए ए जानकी, मैं तुम्हें हमेशा बर्दाश्त करती आई हूँ, तुम मुझे ठेस पहुँचाते आए हो, अब क्या प्लान है? लव लेटर देने आए थे कॉलेज में मुझे बदनाम करने के लिए। तुम मेरे बारे में नहीं जानते, मैं तुम्हें वार्न करती हूँ, दो मिनट में अगर तुम यहाँ से नहीं गए ना तो मैं पुलिस को फोन करके कंप्लेन करूंगी। गेट आउट। वॉचमैन, वॉचमैन, रात ऐसे ही गुजारो। जानकी, वॉचमैन, रात ऐसे ही गुजारो। वॉचमैन, जानकी, वॉचमैन।
जानकी मेरी बात सुनो। क्या हो रहा है? वॉचमैन, मेरी आवाज मुझे सुनाई दे रही है किसी और की सुनाई दे रही है? वॉचमैन, वॉचमैन को कुछ सुनाई नहीं देगा। ओ, तो ये भी तुम जानते हो? हम हेलो, हम लोग अंदर बंद है यहाँ पर। जानकी, इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन बंद। अच्छा, तो ये भी तुम जानते हो? सेलफोन लाया तुम? नहीं लाया। अरे दे, अब सेलफोन भी नहीं है मेरे पास। कहीं ये तुम्हारा प्लान तो नहीं? मैं जानती हूँ। अरे, तुम्हारी नियत में खोट है। मैं जानती हूँ तुम्हारी नियत में खोट है। ए जानकी, मेरे नजदीक मत आना। जानकी, वो चाकू है। मैं जानती हूँ। ए जानकी, जानकी, come on, hey। अरे दीदी, कल तो मेरे एग्जाम भी है, मुझे पढ़ाई भी करनी है। अब सो जाओ। कल मेरी एग्जाम है, पढ़ाई करनी है, स्कॉलरशिप की। हैप्पी बर्थडे। हाँ, मैंने ही ये इंतजाम किया है। बदले में मुझे क्या चाहिए ये नहीं पूछोगी? ठीक है, समझ लूँ कि तुमने पूछ लिया। सिर्फ एक ही बार, तेरे उस बच्चे का बाप मैं बनना चाहता हूँ। तूने सही कहा था, मुझे सपनों के बारे में नहीं मालूम था, लेकिन तुमने मेरे मासूम बच्चे को आई लव यू कहा ना, इसलिए मुझे सपनों का एहसास हुआ। भले एक मिनट के लिए ही सही, उस मासूम बच्चे को गले लगाने को दिल किया। आई लव यू। नहीं, उसके बदले में तुम भी मुझे आई लव यू कहो, मैं जोर नहीं डालूंगा, पर इस वक्त भगवान साक्षी है, कभी भगवान हमारे सामने आके गवाही देगा क्या? I love you, Jerry. I love you. रिश्ते स्वर्ग में ही बनाता है भगवान, लेकिन मैं कहती हूँ only love is made in heaven. वरना टॉम एंड जेरी जैसे लड़ने वाले हम दोनों आज एक कैसे हो सकते थे? और इसके जिम्मेदार हमारी किस्मत है। किस्मत से ज्यादा हमारा बच्चा जिम्मेदार है। डर मत, केक काट। मेरी सांसों में महकने लगी है तेरी खुशबू, दिल को मेरे बहकाने लगी है तेरी खुशबू। गोरियों, तेरा ख्वाब आँखों में, तुझे चाहा मैंने तो लाखों में। मेरी सांसों में महकने लगी है तेरी खुशबू, मेरे मन के गुलशन पे छा गई है तेरी खुशबू। तेरी चाहत की गहराई में मेरी हर एक धड़कन डूब गई।
शबनम बूंदों से दिल पे प्रेम बरसे, दिल ये मेरा बिंदिया के दर से, और ये गोरिये मेरे मन को चूके तूने क्या कहा कि दुनिया बदल गई सारी। मेरी सांसों में महकने लगी है तेरी खुशबू, दिल को मेरे बहकाने लगी है तेरी खुशबू। सिवा कोई ना प्रेम जगा पाया सजनी, मेरे मन को भी तेरे सिवा सजना और कोई भी पाया नहीं। जो भी हुआ ये रब का है जलवा, मैं हूँ महबूब तू है महबूबा। गुलशन पे छा गई है तेरी खुशबू गोरियो, तेरा ख्वाब आँखों में तुझे चाहा, मैंने तो लाखों में मेरे सांसों में महकने लगी है तेरी खुशबू, मेरे मन के गुलशन पे छा गई है तेरी खुशबू। जेरी एलो एक एलो दो एलो तीन, थ्री टीयर्स हैप्पी। किस लिए मालूम है? रजनी जीवा जानकी तीनों ने तुझे आई लव यू बोल दिया है, इसलिए थ्री चीयर्स। ये क्या मिनरल वाटर देकर के चीयर्स बोल रहा है तू? हैं ए गम में जो डूबे रहते हैं वही पीते हैं विस्की, फिर देवदास की तरह आंसू बहाते हैं। हम लोग तो जी चुके हैं, सो वाटर थ्री चीयर्स। ए तेरा मुंह क्यों लटका बे? नहीं दोस्त, मैं हार गया हूं। ऐसा क्यों बोल रहा है? जीवा रजनी मुझे आई लव यू बोलेगी ये शर्त मैं जीता, लेकिन जानकी को मैंने आई लव यू कह दिया, मैं उससे प्यार करता हूँ। मुबारक हो यार, तुझे प्यार हो गया, इसमें हारने वाली कोई बात नहीं। अरे यार। अरे अरे तीनों बाजी जीत गए यार। चीयर्स। चीयर्स। हेलो जेरी, मैं हूँ। कहो। अरे सुनो तो, मेरी नई फिल्म रिलीज हो गई है, मायाजाल थिएटर जा रही हूँ, तुम भी चलोगे ना? प्रॉब्लम हो जाएगी, तुम तो पब्लिक फिगर हो, थिएटर में आओगी तो लफड़ा हो जाएगा ना, रहने दो बाबा। अरे नहीं पता चलेगा बाबा, मैं कैसे आती हूँ तुम देख लेना, अरे कोई नहीं पहचान पाएगा। ठीक है, तुम खुद जाओ, मेरी क्या जरूरत है? मैं किस लिए, ये सब मतलबी लोग हैं। किधर गई? ए सुन ले, तू नहीं छोड़ूंगा, सलीम को लेकर तू अनारकली पिक्चर देखने जा रही है, मैं तेरा हाथ पैर तोड़ दूंगा, सब तोड़ दूंगा, आजकल कहाँ चला गया पता नहीं। ए अल्ताफ भाई रुक जा, मैं आता हूँ। अरे अल्ताफ भाई किधर जा रहे हो? अरे रुको ना, मैं आता हूँ ना भाई, क्या करता है तुम भी? जेरी रजनी हूँ। रजनी तुम हो? ठीक है, जाके कॉर्नर की सीट लेके आओ। अरे हाउसफुल का बोर्ड लगा है। हाँ?
अरे बाप रे, हाउस रूल का बोर्ड लगाया, चलो वापस चलो। ओके रुक्स, हाँ नहीं नहीं नहीं, आज मुझे फिल्म देखनी है, जाके ब्लैक से टिकट लेके आओ प्लीज। तो फिर तुम लेकर आओ। हाँ क्या, तुम भी तो ब्लैक लग रही हो। तुम मजाक मत करो, जाओ ना जल्दी। ठीक है, दो टिकट दो यार। कितना हुआ, ये कहाँ चला गया? जीवा तुम यहाँ? तुमने ब्लैक में टिकट लिया है? वो भी दो दो? और दो 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 दो, एक मेरे फ्रेंड के लिए। कहाँ है तुम्हारा फ्रेंड? वो देखो, गर्लफ्रेंड है? बॉयफ्रेंड है। तो फिर पर्दे में क्यों? वो मेरा दोस्त अल्ताब है, बाप से छुपकर फिल्म देखने आया है। क्यों, तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है क्या? अल्ताब भाई, अरे हमीद भाई को छोड़ के तू किधर चला गया? अरे मैं अकेला। ये जो जा रहे हैं ना, यही अल्ताब के पापा हैं। पता नहीं किधर चला गया। तुम्हें कुछ मेरी ड्यूटी ऑफ हो गई है, मैं भी फ्री हूँ। तुम्हारे फ्रेंड को घर भेज दो, हम लोग साथ में फिल्म देखते हैं। उसको कैसे भेजूं, नहीं समझ नहीं पा रहा हूं। मैं उसको समझा के घर भेज दूं क्या? ठीक है, जल्दी आना, वेट कर रही हूँ। ये फिल्म देखने के लिए दो टिकट काफी नहीं है। टिकट हाथ में पकड़ के पागलों जैसे क्यों बात करते हो? सुनो, वो देख रही हो, इंस्पेक्टर जीवा ब्लैक में खरीदते हुए उसने पकड़ लिया है, अभी जाके उसे देना है। अब तुम लौट जाओ। नहीं नहीं, यहाँ तक आके मैं फिल्म देखे बिना नहीं जाऊंगी। तुम एक काम करो, दूसरी फिल्म का टिकट लेके आ जाना। जाओ कहा ना। जाओ जाओ फास्ट। ये लो दो टिकट, तुम लॉबी में वेट करो, मैं दोस्त को भेज के आता हूँ। अरे अल्ताब भाई, तुम किधर चार मीनार के पीछे जा रहा है? दो। अरे रुक तो सही। हाय जानकी, तुम? मैं यहाँ कैसे जानना चाहते हो, लेकिन तुम यहाँ कैसे पूछ रहे हो? कुछ काम नहीं था तो फिल्म देखने आ गया। तो फिर दो टिकट क्यों ले रहे हो? मैंने कहाँ लिया, ये तो तुमने लिया है। ओके ओके, मैं ये भूल गई थी कि मैं अपने फ्रेंड के साथ आई हूँ, वो तो वो वहाँ है। अरे बाप रे रजनी, वो बाजू के थिएटर में रजनी की पिक्चर रिलीज हुई है। अरे वो नहीं है ये। अरे वो तो सलीमा है। सलीमा? हाँ बाबा, अल्ताब की लवर है ना। लेकिन तुम कैसे जानते हो? सलीमा नार गली के पास चला आया, अब मुझे पैर जाना पड़ेगा। जब से आया हूँ यही देख रहा हूँ। जानकी, जानकी। ओ अल्ताब, मेरी बात सुनो, सलीमा उस गाड़ी के पीछे तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम भी वहीं रुकना तुम्हारे डैडी के जाने तक। अरे रे, ये सब किस लिए? सारे गांव की जिम्मेदारी थोड़ी ली है, हम अपनी जिम्मेदारी देखेंगे। वो तो सब ठीक है। सलमा चलो 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 चलो। जानकी, अल्ताब कहाँ है? सलीमा, अभी तो तुझे लेकर वो थिएटर में गया ना। ये क्या कह रही हो तुम? तो फिर अंदर कौन गई? रजनी। अरे रे, रजनी चल रही है। रजनी चल रही है? रजनी फिल्म चल रही है बाजू के थिएटर में, ये दूसरी फिल्म है। ठीक है, वो सब छोड़ो। सलीमा चलो, तुम्हें फार के पास छोड़ता हूँ। मुझे घसीट के ले गया नालायक। हाय जेरी, चलो सलमा चलो चलो। अल्ताब तुम अंदर जाके बैठ गए क्या? क्या है ये लफड़ा? हमारा अल्ताब जो है ना। ये अल्ताब कौन? तुम नहीं जानती ना, अल्ताब मेरा दोस्त है, सलीमा उसकी लवर है। तुम्हें सलीमा समझ के वो अंदर ले गया। तुम वहाँ खड़े किससे बात कर रहे थे? उधर कौन है? वो कौन है? अरे वही तो सलीमा है। रास्ता। सलीमा तो मुस्लिम है ना? हाँ। बाप को पता नहीं चलना चाहिए ना, इसलिए भेष बदल के आई है। टीका लगाने से चेहरा बदल जाएगा? उसका बाप नहीं पहचान पाएगा, वो पागल है। ठीक है ठीक है, शो का टाइम हो गया, जल्दी चलो चलो ना। यहाँ दादागिरी नहीं चलने वाली। क्या कहा? सलीमा को उसके लवर के पास छोड़कर आता हूँ ना। ऐसा कहो ना। ठीक है जाओ। ठीक है ठीक है, आओ चलते हैं। वो रहने दो, लेकिन सलीमा बाहर क्यों खड़ी है? वो जो है ना, वो मेरा दोस्त है। What? अरे बाबा, लड़का दोस्त है, बाप से बच के फिल्म देखने आया है। क्यों, भरोसा नहीं है क्या? मुझको रोक सके, बंधन तोड़ के निकलता हूँ मैं।
चल चल बात चल ना भाई, हमको भी चांस मारे थे। इडियट, बदतमीजी करते शर्म नहीं आती? ये तो रजनी है यार। हाँ? हाँ? लग तो वैसे ही रही है रजनी। अरे इसको देखने के लिए कितना तड़पा मैं, कितनी तकलीफ उठाई है मैंने। हाँ इसको सामने से देख लेते हैं। आ जा। अरे चुप चुप, तुम लोग चुप रहो, बीच में कोई नहीं बोलेगा। हमने टिकट लिया है इसको देखने के लिए। अरे ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। हाँ भाई, अपने लिए तो पब्लिक प्रॉपर्टी है। चलो आओ ना फिर। हाँ चलो चलो। पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। हाँ, मेरी प्रॉपर्टी है, मैं इसका मालिक हूँ। सॉरी रजनी, तुम हो क्या? इट्स ओके। ए निकल ले। एक बार फिर से सॉरी, तुम्हारी परमिशन बगैर तुम्हें अपना कह दिया। मुझे गलत मत समझना। अब चले क्या? हाँ चलो। रोक दो। ठीक है, मैं यहीं उतर जाता हूँ। जेरी, थैंक यू वेरी मच। इट्स ओके। जेरी, वन मिनट, आई लव यू। वो तो उसी दिन कह दिया था ना। उस दिन गुड़िया ने कहा था, आज मैं कह रही हूँ। ओके। रुको रुको। हे क्या हुआ? तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। हाँ समझ गया मैं, आखिरकार तू शादी के लिए तैयार हो गई। ओके, यही बात है ना? हाँ यू आर राइट। रुको, जेरी के घर पे जाके शादी की बात पूरी कर देना ना। Definitely. मामा के होते हुए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। Thank you. पहले कॉलेज में वो मुझसे बहुत डांट खाता था। मेरे डर के मारे उसके बोलती बंद हो जाती थी। क्या बात है, इतना हंस क्यों रही हो? कुछ नहीं, बस यूं ही। वो मेरी बीबी है इसलिए डर रही है। तुम तो पुलिस वाली हो, तुम तो बताओ, डरो मत। नहीं बताओगी? ठीक है, तुम्हारी शादी की बात करने जेरी के घर जा रहा हूँ, आके बता दूंगा। इन्हें कैसे पता चला? तुमने आपने कहा क्या? नहीं, वही बात है ना, उसी के बारे में बात कर रहे हो ना।
बताओ बताओ मुझे बताओ। अरे ओ जानकी, मैं क्या कह रहा हूँ सुनो, तुरंत हमारी शादी होनी चाहिए। बोलने से शादी हो जाती है क्या? हमारी अभी तक पढ़ाई पूरी नहीं हुई और तुम्हें शादी की पड़ी है? अरे मुझे जल्दी है, तू नहीं समझेगी। तेरी बात सही है, तेरे माँ बाप को मेरे घर आके फटाफट शादी की बात तय कर लेनी चाहिए। ठीक है। आपकी बेटी को देखकर मेरा बेटा बड़ा खुश हो जाता है। हाँ, और एक बात है कि हम लोग लड़के वाले हैं। तो क्या हो गया, हम लोग तो लड़की वाले हैं ना। वो सब ठीक है, लेकिन आपकी बेटी को डांस करना आता है? वो सब तो आता ही है, कभी कभार VCD में पिक्चर देखती है, सिनेमा तो इसकी जान है। हाँ, उसमें गलत बात क्या है? गलत नहीं है, गलत नहीं है। हाँ। वो सब बात सही है, लेकिन शादी कब करनी है? फिक्स कर लिया है, त्योहार से पहले करना है। आप लोग तैयार हैं क्या? हाँ, हम भी तैयार हैं। एक छोटी सी बात और है, शादी से पहले हमारे कुलदेवता के मंदिर में जाना पड़ेगा, बस इतना। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर शुरू करें, रस्म अदा की जाए, ये लीजिए। हम लोग रस्म के लिए कुछ लाए नहीं है। तो उसमें क्या है, घर जाके भिजवा लीजिए। ये लीजिए पहले। हाँ ठीक है। ये लड़के की तस्वीर है, मेरा पोता है, बिल्कुल मुझ पर गया है। तुम तो बूढ़े हो गए हो हैं। लड़की का फोटो देंगे ना? भाई, रिश्ता भिजवाते समय साथ में लड़की का भिजवा देना, हम लोग देख लेंगे। ये कौन है? नमस्ते 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 नमस्ते। लड़की के लिए सब कुछ मैं ही हूँ, मामा दोस्त जो समझ लीजिए। लड़की के माँ बाप? वे लोग चले गए। जानता हूँ, अभी गए। हाँ, लेकिन कब? हैं? क्या कब? अरे लेकिन ये क्यों गर्म हो रहा है? सही है, जाने वाले चले गए, छोड़िए ना, अब मैं आ गया हूँ ना, अब मुझसे बात कीजिए ना, मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ? ये सब आप लोग तो जानते हैं ना? जानते हैं, रस्म देने वाले तुम यहाँ आए हो। अरे समझदार हो, आपने मुझे एकदम सही पहचाना। उन्होंने कहा था ना? किसने कहा था? डैडी, ये कैसी बात कर रहे हैं डैडी? अरे भाई, ये बड़े मियाँ क्या कह रहे हैं, मैं जान सकता हूँ क्या? क्या कह रहे हो तुम? अरे मैं इसका बाप हूँ बाप, तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। वो सब छोड़ो, सुनो, तुम लड़की की तस्वीर लाए हो क्या? थोड़ा साइड हो जाइए, घर पे लड़की की फोटो रखकर मुझसे फोटो मांग रहे हैं। डैडी ये क्या पूछ रहा है? अरे वो तो ठीक कह रहा है, लड़के के पर्स में लड़की का फोटो है, यही कह रहा है ना वो? क्यों यही कह रहा है ना? ऐसा ही अच्छा मजाक है। देखिए आप, इनसे बात किए बगैर मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं जा सकता। क्या? क्योंकि हम लड़की वाले हैं। हम लोग भी लड़के वाले हैं, तुम लड़की वाले हो। कोई भी हो, लेकिन आप गुस्सा मत होइए, मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूँ। सर एक खास बात यह है कि लड़की फिल्मों में काम करती है, शादी करने के बाद सिनेमा के अंदर काम करने से रोकेंगे नहीं। उसमें रोकने की क्या बात है, वो तो आती जाती रहेगी ना। ओके, हाँ, तुम तो बहुत बड़े दिल वाले हो। हाँ तो फिर मैं चलता हूँ। हाँ तो बड़े भाई, एक बात तो कहना भूल ही गया। जानता हूँ। क्या? त्योहार से पहले शादी हो जानी चाहिए, उसके बाद मुहूर्त नहीं। अरे, इस बारे में तुम्हें कैसे पता चला? उन लोगों ने कहा था ना। किसने कहा? क्या कहा? नहीं, उन्होंने कहा होगा, तो कुछ भी हो। अच्छा मैं चलता हूँ, चलता हूँ। ड्राइवर गाड़ी आगे बढ़ाओ। ओके मालिक, जल्दी चलो। बेटे देखा, मेरे पोते ने बहुत अच्छी लड़की से प्यार किया है, बहुत अच्छे खानदान की है। ये क्या कह रहे हो रेडी? और नहीं तो क्या, कुछ देर पहले उसके माता पिता यहाँ आकर गए, उसके बाद ये मामा आ गए। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आप कौन है? आप ये क्या पूछ रहे हैं? मैं लड़की का बाप हूँ, ये मम्मी है। उसमें क्या है, अभी हम तुम्हारे खानदान के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तुम्हारे खानदान की बड़ी लंबी उम्र है। वो क्या, अभी आप लोग इतनी मेहनत करके खातिरदारी में जुटे हो, लड़का लड़की की शादी ही तो करनी है। बात यहाँ तक पहुँच गई, हमारी जीवन ने तो हमें कुछ नहीं बताया। मैंने आपसे कहा था ना, वो हमसे बात छुपाती है। ये आप लोग क्या बात कर रहे हैं? वो ऐसा वो कुछ भी नहीं है। अरे लड़का लड़की आपस में कितनी भी बात करे, लेकिन आप जैसे बुजुर्गों से बात जरूरी है ना। ये फोटो ला रहे दो ना, आप क्या देख रहे हो? लो लो, अब ये पकड़ो। हाँ जी, अरे हाँ, वो फोटो लेकर आ गए है ना आप, है ना? हाँ, अरे जननी, सिनेमा स्टार है। सिनेमा स्टार जननी है ना, मेरी बेटी की जान है। सिनेमा ही उसके लिए सब कुछ है, उसके माँ बाप ने बताया था। क्या, उसके माँ बाप? डैडी कुछ तो गलती हो रही है, लेकिन गलती क्या हो रही है समझ में नहीं आ रहा है। मुंह बंद करके चुप बैठना। साहब हमारी एक ही ख्वाहिश है, जानते हैं त्योहार से पहले शादी करनी है। Oh,
दोस्त जेरी, आज यहाँ शादी के लिए तीन लड़कियाँ तुझे शादी करने आ रही हैं। कैसे मैनेज करेगा? वेट एंड सी। आज यहाँ तीन शादी होने जा रही है, एक तुम्हारे लड़के जयराम की शादी, एक और स्टार जन्नी की शादी, तीसरी इंस्पेक्टर जीवा की शादी। इसमें एक चीज में समानता है, तीनों दुल्हों का नाम जयराम। अरे तू क्या कर रहा है? उधर तीन शादी हो रही है, तीन जयराम कहाँ से लाएगा, और तू बिंदास घूम रहा है? मैं नहीं जानता, इसलिए पूछ रहा हूँ कि तूने क्या फैसला किया। सो ये क्या नौटंकी है? तुम दूल्हे हो सही है, लेकिन इन भिखारियों को दूल्हा क्यों बनाया? और कोई नहीं मिला था क्या तुझे? जयराम 1, जयराम 2, जयराम 3। अरे सीधे साधे मेरे जैसे इंसान को बाल नोच के टकला मत कर। अबे सुन, आज यहाँ सिर्फ एक ही शादी हो रही है। हाँ। मेरी और जानकी की। जानकी की एक और शादी हो चुकी है, ये भी सोच ले। उसके बाद हम चारों मिलके रजनी और जीवा के पैरों में गिर के माफी मांग लेंगे। रुको 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 रुको, तुम दोनों कौन हो? दूल्हे की भेष में। आज हम दोनों की भी शादी है। ये जयराम नंबर 1 है, ये जयराम नंबर 2 है, और ये जयराम नंबर 3 है। मैंने ठीक कहा ना? अरे मेरा नाम कौशिक है, इसका नाम राजू है। मैंने जयराम बोला तो तुमने हाँ क्यों कहा? मैंने कहा था ना, बुजुर्गों की नजर से नहीं बच सकते। मैं बहुत अच्छा आइडिया सोच के रखा था। अरे दादा, जैसे मैं जयराम उर्फ जेरी, उसी तरह ये जयराम उर्फ कौशिक और ये जयराम उर्फ राजू है। अब समझे ना? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तेरी खोपड़ी में घास भरी है लगा कहीं का। मैं सब कुछ समझ गया हूँ, अब मेरी बात सुनो। इन तीनों का नाम आज से जयराम। इस रिश्ते की जो रस्म हमने अदा की थी, वो जानकी के माँ बाप, रजनी के मामा दोस्त, जीवा के भाई भाभी डबल क्रॉस हो गए हैं। रुको 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 रुको, तुम तीनों के घर से कोई यहाँ आया है कि नहीं? अरे कोई नहीं तो मैं हूँ ना। कैसी बात कर रहे हैं साहब? यहाँ होने वाली शादी बहुत बड़ी अद्भुत शादी है। एक सिनेमा वाली से प्यार करता है, एक पुलिस वाली से प्यार करता है, लेकिन हमारे दादाजी दूसरों के आंसू पोंछने वाले उस महान पुरुष की तरह इज्जत में हो, देशभक्ति में हो, महान दया रखने वाले उस गरीब लड़की के साथ पोते की शादी करा रहे हैं। आप एक ग्रेटर जैसे ग्रेट है। मुझे बहुत दुख हो रहा है, इसे रोते देख के बहुत दुख हो रहा है। चलो ये शादी हिम्मत के साथ होने दो। पैसा जितना चाहिए मैं दूंगा, बीच में चाहे कोई भी आए, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ यहाँ। थोड़ा मुझे लेट हो गया आने में, मंदिर का रास्ता ढूंढने में टाइम लग गया। ये क्या कह रहे हैं, ऐसा भला कैसे हो सकता है? वो सब छोड़ो, दादा का आशीर्वाद तो लो ना। रहने दो बेटे, रहने दो। सभी लोग यहाँ पर शादी के लिए आए हैं, चलो अंदर चलते हैं। चलो अंदर चलते हैं। हाय जानकी। दूल्हे मियां, तुम दूल्हे हुए ठीक है, लेकिन बाकी लोग किस लिए हैं? ससुर जी, ये सब मेरे दोस्त हैं। अच्छा। तो दूल्हे के साथ रहने अच्छा। वाले भी दूल्हे के लिबास में रहने चाहिए कि नहीं? हाँ। और ये हमारा रिवाज भी है। हाँ। दादा है कि नहीं? हाँ ठीक है। हाँ। समझ गए ना? हाँ। लगे रहो भाई। हाँ। लगे रहो। हाँ। मैं चलता हूँ। हाँ। जल्दी आना। आओ बेटा, सीधा पैर रख के आगे आना। आइए 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 आइए। बड़े भाई, पहचाना मुझे? मामा दोस्त लड़की का। क्या रट लगा के रखी है मामा दोस्त, सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं कान। अरे अरे, क्या सुना तुमने? क्या सुना क्या, दुल्हन बनने वाली लड़की जन्नी है, ये तुम्हें बताना चाहिए था ना। इसमें क्या हुआ, पहले नहीं कहा तो अब कहता हूँ? सुनिए रजनी। वही। क्या वही? अच्छे वक्त आए हो, उधर तैयारी चल रही है, रजनी जयराम 2 की शादी होने वाली है। जयराम 2? अरे अरे, सुनिए ना सर, जब मेरी माँ की डिलीवरी हुई थी तो 2 जयराम पैदा हुए थे। 2 जयराम? 2 जयराम किधर? घर पे हुआ था क्या? नाम के साथ हुआ था क्या? क्या करें सर, हमारे खानदान की परंपरा के मुताबिक 2 लड़के हुए तो जयराम ही नाम रखना पड़ता है। फैंटास्टिक खानदान है, पहला जो पैदा होगा वो रहेगा जयराम 1, बाद में जो पैदा होगा वो रहेगा जयराम 2। लेकिन सर, जयराम नाम रखने से फूट गई सर किस्मत। गम को क्यों डेवलप कर रहा है, यही है वो उनका दूसरा बेटा जयराम 2 कुंवारा, इसी खानदान का है कुंवारा। आई डोंट बिलीव, क्या बकवास कर रहे हो? नहीं समझ रहे हो ना, तो जाके दादा से पूछ लो। दादा को, दादा को मत बुलाओ, वो आंख से आंख मिलाकर रोते हैं और मुझसे आंसू नहीं देखे जाते। एक और, इधर
लड़की को जरा साथ लेके दुल्हनिया 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 ये क्या है? दूल्हा होते हुए इतने बड़े बाल है, चेहरे पे दाढ़ी बड़ी हुई है, इसे कोई हजाम नहीं मिला क्या? अपना हुजा बिगाड़ कर रखा है। ए बताओ ना। कोई बात नहीं सर, जेरी दूल्हा है, मैं दूल्हे का दोस्त हूँ, दूल्हे के साथ रहने वाले ना दूल्हे के जैसे ड्रेस पहनते हैं, क्योंकि लड़कियों को कुल्हू बनाना पड़ता है। बहुत अच्छे। यू सो स्वीट। रजनी आओ। मैं कैसे लग रही हूँ? आई लव यू। गुड मॉर्निंग मैडम। ये क्या ऑफिसर, आज के दिन पे सैल्यूट? सॉरी मैडम। चलो आइए 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 आइए। नमस्ते। आपकी बेटी जैसे फोटो में दिखती है वैसी है। दूल्हे भैया लड़की बहुत अच्छी है। ये दूल्हे के नाम से किसे मिला रहे हैं? अरे समझे नहीं क्या, शिव की तीसरी आंख नहीं है क्या? उसी तरह इनका भी तीसरा हाथ है। बेटी तुम्हें जयराम थ्री पसंद है ना? जयराम थ्री? ये क्या जयराम थ्री? मैं डैडी 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 तुम जाओ ना, मैं बताता हूँ। तुम जाओ जाओ हाँ आप जाओ, मैं समझा दूंगा। ये आप लोग को समझा। ओके ओके जाओ जाओ आप जाइए, मैं देख लूंगा। दरअसल वो क्या है ना, मेरी माँ ने तीन जयराम को जन्म दिया था। तीन जयराम? जी हाँ तीन जयराम। तीन? जी हाँ, दो बच्चे होंगे तो ट्विंस कहलाएंगे, तीन होंगे तो ट्रिंस कहलाएंगे। तीन तीन बच्चे हुए थे, दो तो चले गए, तीसरा मैं हूँ जो बचा, जयराम थ्री। छोड़ यार, ये सब उन्हें बता के क्यों दुखी कर रहा है। आइए आप लोग, मुहूर्त से पहले शादी निपटाना है। आइए आइए। ये राजू जाना उनके साथ। हे भगवान। क्या है जेरी, यहाँ आसन बना लिया? पहले तेरी और जानकी की शादी होनी चाहिए, उसके लिए क्या इंतजाम है? मिस्टर अय्यर, मैं यहाँ पहले आया हूँ तो तीनों शादी में सबसे पहले मेरी शादी होनी चाहिए ना? तीन नहीं 300 शादी होगी और मुहूर्त पर ही होगी, सब शादी मुहूर्त पर हो जानी चाहिए। देखो मेरा वक्त बर्बाद मत करो, ये देखो मैं दुल्हन के मुहूर्त का जोड़ा लेकर जा रहा हूँ, मुझे जाने दो। ये लो मुहूर्त की साड़ी ले लो, अपने कपड़े बदल कर जल्दी आओ और लगन मंडप में बैठ जाओ। फिक्र मत करो बेटी, बात करने से कुछ नहीं होगा। आइए मुहूर्त की साड़ी पहन लो, जल्दी जाओ और बाथरूम में जाकर साड़ी पहन कर आ जाओ। हाँ, लेके जाओ।, जाओ बेटी। हे जीवा, रजनी तुम यहाँ कैसे? मेरी शादी है। What a coincidence, आज मेरी भी शादी है। वाओ। उसी आदमी के साथ ना? तुम्हारी भी उसी के साथ है ना? जी हाँ। आज इसी जगह पर तीन शादियाँ हो रही है, उसमें से दो शादियाँ हमारी है ना? मैं भी यही सोच रही हूँ, ड्रेस बदलनी है, तुम भी उसी के लिए आई हो ना? चलो। पता नहीं जेरी कब आएगा, मुझे यहाँ पे डर लग रहा है, चलो ना। अरे छोड़ो भी, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, जो होना है वो होके रहेगा। तुम लोग कौन हो? अरे कौन है ये? ये फिल्म स्टार रजनी है। मेरा नाम श्रवण है, ये मेरी लवर पूजा, हम दोनों की आज के दिन शादी हो रही है। हमारा रिश्ता पेरेंट्स को पसंद नहीं है। आज हमारा एक बहुत ही करीबी दोस्त हम दोनों की शादी कराने वाला है। हम दोनों की ये बातें हमारे घर वालों को पता चल चुकी है, वो कभी भी यहाँ आ सकते हैं, इसलिए हम दोनों यहाँ छुपे हुए हैं, हमारे फ्रेंड्स अभी तक नहीं आए हैं। तो तुम ऐसा करो, तुम जाकर अपने दोस्तों को यहाँ पर लेकर आओ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पूजा का ख्याल हम रख लेंगे, है ना? तुम जाओ ना। ठीक है। हाँ जाके आओ। हिम्मत से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। आजा, मुझसे घबराने की जरूरत नहीं, मैं संभाल लूंगा। भाग 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 भाग। जेरी यहाँ आजा, उसको हम लोग भी जानते हैं। आओ ना। पूजा ये मेरा खास दोस्त है। What a pleasant surprise. ये तो हमारा भी दोस्त है। What a pleasant surprise. Hey, what a coincidence. ये तो तुम्हारा भी दोस्त, मेरा भी दोस्त। तुम जीवा से शादी कर रहे हो? तुम रजनी से शादी कर रहे हो? तुम मुझसे प्यार करते हो ना? लेकिन तुम मुझसे प्यार करते हो ना? नहीं, मैं तुम दोनों को। क्या? दरअसल मैं दोनों से ही प्यार नहीं करता, एक्चुअली मैं जानकी से प्यार करता हूँ। जानकी? आज हम दोनों की शादी है। पूजा तुम थोड़ा बाहर जाओ प्लीज। इसका मतलब
पीछे पीछे आके मुझसे प्यार करने का नाटक कर रहे थे। रजनी प्लीज मुझे एक्सप्लेन तो करने दो। ए, मैंने शादी ना करने का फैसला किया था और तुमने मेरे दिल में आज जगा कर अब क्या एक्सप्लेन करना चाहते हो? बताओ ना, तुमने ऐसा क्यों किया जेरी? फ्रेंड होने के नाते कहता हूँ, मैंने जो किया वो गलत है। तुम दोनों से प्यार करके दिखाऊंगा, ये मैंने अपने दोस्तों को चैलेंज किया था। What? You bloody rascal! अपने चैलेंज की वजह से हमारी जिंदगी से खेला, इतना बड़ा धोखा किया हमारे साथ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी शादी कैसे होगी ये मैं देखूंगी। ये शादी नहीं होगी, नहीं होगी ये शादी अब नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। सुन लिया ना, खामोश क्यों हो गए तुम सब लोग? दुल्हन लड़की की गोद में बच्चा, ये सब क्या है? ये सब क्या हो रहा है समधी जी? कौन समधी जी, काय का समधी जी? तुमने वादा किया था, तुम ही फैसला करो, तुम ही पूछो इससे। अभी पूछता हूँ मैं, मुंह खोल के जरा बता तो सही, ये बच्चा किसका है? ये किसी और का बच्चा नहीं। तो फिर ये मेरा बच्चा। अरे जानकी, अरे 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 अरे, शादी से पहले ही बच्चा? बच्चे के सामने ही शादी होगी। यस, शादी होगी तो बच्चे के सामने ही होगी, इसीलिए तो जानकी ने उसे गोद में बिठा के रखा है। अरे गधे, इस बच्चे की माँ जानकी है, तू पहले से जानता था? मुझे जानने की क्या जरूरत है, इस बच्चे का बाप तो मैं ही हूँ। ये क्या कह रहे हो जेरी बेटा? जानकी जब इस बच्चे की माँ नहीं थी ना, तब से मैं जानकी से प्यार करता हूँ। जेरी इस बच्चे का बाप बनने के लिए तैयार हुआ, इसलिए मैं राजी हुई। क्यों रे, हमारे कुल का नहीं, खानदान का नहीं, पता नहीं किसका बाप पाल रही है ये लड़की, ऐसे लड़की को तू हमारे घर की बहू बनाएगा? ये किसी और की पैदाइश नहीं, इसको इसके बाप ने ही पैदा किया है, चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हमारे आश्रम में आकर जब जानकी ने इस बच्चे को देखा, तब से इसे गोद लिया। इस उम्र में ऐसा कदम उठाना एक सराहनीय काम है, मेहरबानी करके शादी मत रोकिए। ऐसा कैसे होगा? एक बात और बताता हूँ जो जानकी भी नहीं जानती, आज मैं जो कुछ भी हूँ इस बच्चे की वजह से हूँ, मुझे इस जीवन में दूसरे बच्चे की कोई जरूरत भी नहीं है। लो, लड़के ने तुम्हारे मुंह पे जूता मार दिया ना? ये क्या बोल रहा है तू? कुछ नहीं, अरे मेरी बेटी है, दोनों कुछ बोलने वाले। जेरी तुम बैठो, बैठो बैठो। जानकी तुम भी बैठो। हेलो, ये सब करने वाली तुम कौन होती हो? वो मेरी बेटी है। हेलो, आप इसके पिता हो सकते हैं, लेकिन ये बालिग हो चुकी है और मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। किसी ने भी हद से ज्यादा बोलने की कोशिश की तो सबको अंदर कर दूंगी मैं। तुम सब लोगों को 10 गधों की उम्र जरूर है, लेकिन इंसान नहीं। मेहरबानी करके अपने हाथ से कोई अपशगुन मत करो प्लीज। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। जेरी मंगलसूत्र पहनाओ। एक मिनट। पापा, पापा। आओ, पंडित जी, एक और मंगलसूत्र है क्या? इनकी शादी भी यहीं पर कर दीजिए। हाँ, ये लीजिए। मंगलसूत्र पहनाओ, मंगलसूत्र पहनाओ। अरे जल्दी करो, जल्दी करो। का मतलब रजनी, जीवा और मेरे साथ तुमने प्यार का नाटक चैलेंज पर किया था, है ना? जी हाँ, ये देखो ये लोग हैं, इन लोगों ने मुझे उकसा के चैलेंज किया था। हम लोग के बोलने पे तू चैलेंज करेगा क्या? ये चुप करना, सब तेरी वजह से हुआ।